हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी गुड। जैसा कि आप सब तो मुझे अब तक अच्छे से जान चुके होंगे, माई सेल्फ निखिल श्रीवास्तव, NS सर, ठीक है। आज जिस चैप्टर को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ क्रैश कोर्स में, वो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। कौन सा चैप्टर है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, बात हो रही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, कितना आता है, कितना करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते हैं जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पैथेटिक होता है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों होता है डोंट नो, जबकि बच्चों को इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कंफर्टेबल भी है और अप्रोचेबल भी चैप्टर है, थोड़ा सा IQ भी डेवलप करता है ये चैप्टर। खैर, बहुत टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे कुछ बातों पे बात कर लेते हैं। फैक्टोरियल किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग को पता है n फैक्टोरियल द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव एंड नेचुरल नंबर 1, 2, 3 टिल n को रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को अगर मुझे n फैक्टोरियल को लिखना होगा तो हम यहाँ से यहाँ तक को रोक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को रोक लेंगे, इसके पीछे तक को हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n, यानी एक को बाहर निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंगली एक n बाहर आएगा तो अंदर क्या छूटेगा हमारे पास, अंदर छूटेगा हमारे पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसी के बिहाफ पे एक फॉर्मूला डेवलप होता है 2n फैक्टोरियल का। आई एम नॉट गोइंग टू गिव द प्रूफ ऑफ दीज ऑल फॉर्मूलाज, यू शुड हैव टू बी रिमेंबर टू कीप पावर इनटू n फैक्टोरियल इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द n नेचुरल नंबर, दैट इज 1 3 ऑड नेचुरल नंबर, दैट विल बी 1 3 5 टिल 2n माइनस 1, प्रोडक्ट ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना बच्चों, काम आता है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। कई जगहों पे यूज़ करते हैं हम लोग, बायनोमियल चैप्टर में भी यूज़ करते हैं इसको, और PNC प्रोबेबिलिटी इन सब जगह पे तो हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो बेसिक मेनली तो यही 3 पॉइंट होते हैं फैक्टोरियल में, बाकी बहुत डिटेल में फैक्टोरियल में जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनता है इसमें, तो मान लीजिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, यू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 500 फैक्टोरियल। मतलब अगर 500 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे तो इसके एंड में कितने जीरोज आएंगे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन वाले कंसेप्ट को समझते हैं, सोल्यूशन देने से पहले। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, किसी भी n फैक्टोरियल को अगर हम ब्रेक करेंगे बेटा, किसी भी n फैक्टोरियल को, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c, 7 की पावर d, 11 की पावर e एंड सो ऑन, जितने भी प्राइम्स में इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 हुआ, 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3। ऐसे 4 फैक्टोरियल की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं 24, 24 को लिख सकते हैं हम लोग 6 into 4, 6 into 4 का मतलब हुआ 8 into 3, 8 into 3 का मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 फैक्टोरियल को 24 लिखते हैं, 24 को हम लिख सकते हैं 8 into 3, 8 लिखने का मतलब है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, यानी a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0 इन द फैक्टोरियल ऑफ 4। अब बात तो छोटे नंबर की हमने इंटरप्रेट कर लिया, मान लीजिए हमसे बोल रहा है जैसे क्वेश्चन में 500 फैक्टोरियल, तो हम कैसे इंटरप्रेट करें, तो इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, फिर वही चीज़ है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा और आपको ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि मान लीजिए आपको a कैलकुलेट करना है, तो जो a होता है उसकी वैल्यू होती है कि इस n फैक्टोरियल नंबर को 2 से डिवाइड करो, उसका GIF लो, फिर ऐड कर दो 2 के स्क्वायर से डिवाइड करके उसके GIF से, फिर ऐड कर दो 2 के क्यूब से लेकर के उसके GIF से, तब तक जब तक ये 0 ना आ जाए, मतलब ये हमेशा इंटीजर बनता जाएगा और छोटा होता जाएगा, तो अल्टीमेटली जब 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ये नंबर एंड हो गया, तो a की वैल्यू इन सब का जो सम होती है वो होती है। प्रूफ आता है क्वेश्चन के थ्रू, जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा आपका। इस तरीके से अगर b की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे n बाई 3 प्लस n बाई 3 का स्क्वायर प्लस n बाई 3 का क्यूब एंड सो ऑन, तो हम इस तरीके से इसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हम c की बात करेंगे तो अपने पास आएगा n बाई 5 प्लस n बाई 5 का स्क्वायर प्लस n बाई 5 का क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों,
इस तरीके से 7 का निकालना होगा डी की वैल्यू, तो 7 से डिवाइड करिए, सीरीज बनाइए 7 स्क्वायर 7 क्यूब, 11 से निकालना होगा तो 11 से डिवाइड करिए। इस तरीके से आप किसी भी फैक्टोरियल का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसकी इमीडिएट वैल्यूज क्या आएंगी उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। जब हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो उसने बोला है 500 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरो आएंगे। जब हमें एक जीरो चाहिए होता है बेटा तो हमें एक टू और एक फाइव को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए हमें जीरो मतलब 10 चाहिए तो 10 जो होगा बेसिकली होगा 2 × 5 के बराबर। फिर अगर मान लीजिए मुझे 100 चाहिए तो 100 होगा 2 × 5 के बराबर। फिर मान लीजिए हमको 200 चाहिए तो 200 होगा 2 × 3 × 5 के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो नंबर ऑफ जीरोस बेसिकली किसकी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 2 की पावर पे कि 5 की पावर पे? 2 की पावर की 5 की पावर पे तो अल्टीमेटली हमेशा 5 की पावर पे ही डिपेंड करेगा। किसी एक जीरो को बनाने के लिए आपको एक टू और एक फाइव चाहिए होगा। अब जो नंबर ऑफ, जब आप नंबर को ओपन कर रहे हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फाइव इन द पावर ऑफ फाइव इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर इस क्वेश्चन में हम नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फाइव फैक्टोरियल लिखेंगे, एट द एंड ऑफ 500 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस, ए नंबर ऑफ फाइव इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 500 फैक्टोरियल। तो 5 की जो पावर आएगी या 5 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की जो पावर आएगी नंबर ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 फैक्टोरियल व्हिच इज इक्वल्स टू, तो मान लीजिए हमको यहां से बात कर रहे हैं तो अगर मैं 500 फैक्टोरियल को ऐसे लिखता हूं 500 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी 7 की पावर डी 11 की पावर ई एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, बेटा इसको जीरोज भी बोलते हैं, इसको साइफर्स भी बोलते हैं, इसको लव भी बोलते हैं, इसको डक भी बोलते हैं, इसको नॉट भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। साइफर्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, मिल सकता है, ठीक है, जीरोज या साइफर्स, कई लोगों को नहीं पता होता है इसे पता होना चाहिए, साइफर्स को भी जीरो बोलते हैं। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू सी। तो सी की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ जीरोज साइफर्स को रिप्रेजेंट करेगी और दैट विल बी इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 क्यू प्लस 500 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। बस इसके आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन आपको पता ही है क्योंकि ये जीरो आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगी वैल्यू 100, यहाँ से मिलेगी 20, इसको ऐसे समझ सकते हो 100 जो आएगा उसको आप 5 से डिवाइड कर दें, 20 आ गया, 20 को 5 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया, 4 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 0 आ गया, जी आई एफ लेते वक्त। ठीक है, यहां से जो अल्टीमेटली वैल्यू आगे दैट विल बी कम टू बी 124। तो कितने जीरोज आएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया बेटा 124 जीरोज आएंगे जब हम इस नंबर के एंड में मांगेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ थ्रीज, नंबर ऑफ फाइव, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा फैक्टोरियल नोटेशन का एप्लीकेशन है। क्लियर है? चलिए बाकी तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो ये फैक्टोरियल के बारे में उन्होंने बात कर ली थोड़ी सी। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि व्हाट इज परमुटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, हम थोड़ी सी चीजों को और डिफाइन करते हैं और हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये उसको समझते हैं। ठीक है, कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसको बेसिकली हम इन शॉर्ट में भी इस तरीके से, इसको शॉर्ट में हम लोग FPC लिखते हैं, FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बट इसको समझने का तरीका एक और होता है बच्चों, ध्यान रखना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का क्या मतलब होता है कि काउंट करो बिना काउंट करे। तो बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो, सर आप सुबह सुबह ऐसी कैसी बातें कर सकते हो, शाम को ऐसी कैसी बातें कर सकते हो, आप जब देख रहे हैं आप पे डिपेंड करता है आप इस लेक्चर को कब देख रहे हैं। बट एक्चुअली यही हो रहा है कि हाउ टू काउंट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, बिना काउंट करे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, इस बारे को, इस चीज को बताने के लिए हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके अंदर दो रिजल्ट होते हैं, पहला रिजल्ट होता है
एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब क्या होता है एडिशन प्रिंसिपल का मतलब, आप चाहोगे तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, बोल दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। अगर खूब सारे इवेंट हो रहे हैं जिनके करने के, जैसे मान लीजिए अपने पास दो इवेंट हैं ए और बी, पहले वाले करने के वेज हैं N1, दूसरे वाले करने के वेज हैं N2, देन द नंबर ऑफ वेज फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देम टू अकर। किसी एक इवेंट के करने के, मान लीजिए ईवन इवेंट है उसको करने के ए वेज हैं, E2 इवेंट है उसको करने के बी वेज हैं, तो कम से कम उन दोनों में एक इवेंट हो, इसके करने के कितने तरीके होंगे, तो इसके टोटल तरीके होंगे N1 + N2। क्या हुआ है आइए एक एग्जांपल से समझते हैं, या शॉर्ट में एग्जांपल। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ इवेंट N1 के लिए मान ले ए थे, नंबर ऑफ वेज इवेंट E2 के लिए मान ले बी थे, तो एटलीस्ट अकरेंस ऑफ इवन और E2 equals to A plus B. तो number of ways for at least one of them to be occur is A plus B. क्या हुआ है आइए उसको एक illustration से समझते हैं। तो question ले रहे हैं second. There are 15 students in a class. There are 15 students in a class. In class. There are 15 students in class in which 10 are boys, 5 गर्ल्स। भाई देखिए लैंग्वेज बहुत होती है PNC में, और अगर मैं सारी लैंग्वेज लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। देर आर 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आउट ऑफ विच 10 आर बॉयज एंड 5 आर गर्ल्स। टीचर सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल, आइदर बॉय और गर्ल और गर्ल for monitor post fine। अब लैंग्वेज पकड़ना ठीक है, बहुत जरूरी होता है। फाइन इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर मेक द सिलेक्शन, फुल स्टॉप। इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर मेक सिलेक्शन, इन हाउ मेनी वेज द क्लास टीचर make selection, ठीक है। तो भाई सिंपल सा प्रैक्टिकलिटी है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल है कि एक क्लास के अंदर 15 बच्चे बैठे हुए जिसमें 10 बॉयज बैठे 5 गर्ल्स बैठी हैं। अब क्लास टीचर को एक बच्चे को उठाना है और वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है, इधर बॉय और गर्ल, और उसको मॉनिटर बनाना है। तो उसके पास कितनी चॉइसेस होंगी, या तो वो बॉयज में से उठाएगा किसी को, या तो गर्ल्स में से किसी को उठाएगा। तो अगर नंबर ऑफ वेज, इसके सलूशन यहीं पे लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि PNC के अंदर लिखने में टाइम लगेगा क्वेश्चन, बट एक्सप्लेनेशन में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। या तो वो 10 बॉयज को उठाएगा, या तो बॉयज को मॉनिटर बनाएगा, या फिर वो गर्ल को मॉनिटर बनाएगा। अगर बॉयज को बनाएगा तो उसके कितनी चॉइसेस हैं, 10 चॉइसेस हैं, 10 में से किसी एक बॉय को उठा लाएगा, 10 तरीके हो गए। गर्ल्स में उसके बाद कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, तो किसी एक गर्ल को उठा लाएगा तो 10 + 5, यानी टोटल नंबर ऑफ वेज शुड बी इक्वल टू 15। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, इससे क्या फर्क पड़ा जिसने बॉय या गर्ल उठाया, क्लास से 15 बच्चे थे, 15 में से किसी एक को उठा लेता, तो बात तो वही है, बिल्कुल सिंपल, सही बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों डिसजॉइंट है, ये ध्यान रखना। डिसजॉइंट वर्ड क्यों बोला गया, कि बॉय को और गर्ल को उठाना डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है वो समझ लेना। डिसजॉइंट क्या कहता है, डिसजॉइंट ये कहता है कि दो इवेंट अगर हो रहे हैं, ठीक है, दो इवेंट हो रहे हैं, बॉय उठ रहा है या गर्ल उठ रहा है, तो उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब उनमें कोई कॉमन ना हो, मतलब ऐसा नहीं हुआ कभी कि बॉय या गर्ल में से कुछ भी एक साथ आ गया हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन जी शुड बी इक्वल टू 5। यानी बात समझ में आ रही है कि बॉय या गर्ल का उठना एक साथ तो उठ नहीं सकते, इसलिए बी इंटरसेक्शन जी की जब हम बात करें तो क्या निकल के आएगा, 5। क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा प्रिंसिपल, दैट विल बी नोन एज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम कम लगना चाहिए, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। अपन जो बात करेंगे बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली वो बात कर रहे हैं किसकी, एक्सप्लेनेशन वाली बात, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसे भी अपन ने पीछे बात करी थी कि एक इवेंट इवन था उसके होने के ए तरीके थे, एंड एक इवेंट E2 था उसके होने के बी तरीके थे, ठीक है। तो इवन एंड E2
ई1 हुआ देन ई2 हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज फॉर ई1 देन ई2 अकर देन ई2 अकर इट शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर में ई1 देन ई2 अकर इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अगर ई1 होकर के ई2 हुआ, एक डेफिनेट ऑर्डर में हुआ, और ई1 के होने के ए तरीके थे, ई2 के होने के बी तरीके थे, तो इस इवेंट ई1 होकर के ई2 के होने की टोटल तरीके कितने होंगे, ए इंटू बी। दिस इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ईवन देन ई2 या ईवन एंड ई2, इसको देन की जगह पे हम एंड भी लिख सकते थे, याद रखना ये टर्मिनोलॉजीज। और यहाँ पे देखो और है, तो अगर और आता है तो बेटा प्लस हो रहा है, और एंड आता है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सिंपल सा फंडा, और आएगा तो प्लस होगा, एंड आएगा तो बेटा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल से ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, जैसे Find number of ways of placing 4 books of P C M B in a 4 book belt in a 4 box bookshelf in a 4 box bookshelf, ठीक है। चार किताबें दी गई हैं आपको, ऐसे रखी हैं सामने, चार पुस्तकें आपके हाथ में, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई जाओ और इस शेल्फ को भर करके आओ, ठीक है, ठीक है। फोर, अगर किसी ने कभी लाइब्रेरी गया होगा या बुक शेल्फ घर पे होगी, थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़े लिखे होंगे, वैसे तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लाइब्रेरी देखी होगी या एटलीस्ट बुक शेल्फ तो देखी होगी। तो चार किताबें भी है जो वर्ड लिखे ना डेफिनेट ऑर्डर, इसको फील करना। डेफिनेट ऑर्डर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं लेके चारों किताब उठा ली और घुसेड़ दिए पहले वाली रैक के अंदर, गुज्जो, ऐसे नहीं हो। इन अ डेफिनेट ऑर्डर है कि अगर आपने पहली बुक को, पहले शेल्फ को भरना चाहा तो आपके में चार किताबें थी, चार किताबों में चॉइसेस आपके पास थी, किसी एक बुक को उठाया और यहाँ रख दिया, चार ऑप्शन थे आपके पास, यानी कि पहली शेल्फ को फिल करने के अपने पास कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन थे, करेक्ट है। पहले इवेंट के होने के कितने ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। दूसरा इवेंट है दूसरा बुक शेल्फ भरना। अब जब मैं एक किताब यहाँ रख चुका हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ फिजिक्स की किताब रख दी है, तो फिर मेरे पास केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो बाकी थी, उसको उसमें से किसी एक बुक को उठाया यहाँ भर दिया, तो नहीं, इसको भरने के अपने पास 3 ऑप्शंस हो गए। सिमिलरली जब मैं इस वाले बुक शेल्फ को भरूंगा तो इसको भरने के मेरे पास ऑप्शन हो गए 2। सिमिलरली जब मैं इसको भरूंगा तो इसको भरने का ऑप्शन हो गया 1। अल्टीमेटली आंसर आ गया 4 factorial, जिसकी वैल्यू होती है 24, ठीक है। तो यहाँ से एक जनरल पॉइंट आता है ध्यान रखना कि एन चीज़ों को एन प्लेसेस पे अरेंज करना। अभी हम लोग ये सब बातें नहीं करना चाहता था, बट ठीक है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, तो रिवीजन की बात कर रहे हैं, थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज पता होंगी। तो एन चीज़ों को एन प्लेसेस पे अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, एन फैक्टोरियल। एन चीज़ों को एन प्लेसेस पे अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बेटा, एन फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो ये हमने बात कर ली मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की। आइए कुछ इलस्ट्रेशन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। काउंटिंग क्वेश्चन और आते हैं, काउंटिंग में किस किस टाइप की काउंटिंग आती है उसको भी समझते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से ही समझना चाहिए, क्वेश्चन से ही सीखते हैं हम लोग बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड नंबर ऑफ 3 digit numbers फॉर्म बाय पहला गेस है 1, 2, 3, 4, 5 ए लिख देता हूँ, ठीक है। एंड दूसरा केस है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फर्स्ट केस है रिपीटेशन अलाउ, और सेकंड केस है रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है। क्या बात हुई भाई, उसने आपको 5 सेट ऑफ नंबर्स दिए, उसने आपसे बोला है कि 3 digit के नंबर्स बनाओ, ठीक है। 5 सेट ऑफ नंबर्स दिए और उसने बोला 3 digit के नंबर्स बनाओ, ठीक है भाई। 3 digit के नंबर बनाने थे, लीजिए भाई 3 digit के नंबर्स बना देते हैं। अभी 3 digit के नंबर्स हम कैसे बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं, ठीक है। तो पहले केस को उठाया मैंने, ए पार्ट का फर्स्ट केस कि रिपीटेशन अलाउ है, और ए पार्ट का सेकेंड केस कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। इस तरीके से मैं दूसरा केस लूँगा यहाँ पे बी, फिर मैं 3 digit नंबर बनाऊँगा,
अब की बार 0, 1, 2, 3, 4 से बनाऊंगा, कंडीशन सेम लगाऊंगा, पहला केस है रिपीटेशन अलाउ और दूसरा केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैंने बेसिकली चार क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है एक क्वेश्चन के अंदर। क्या इंपॉर्टेंस है, जीरो का एक केस होता है अलग से, इसलिए हम लोग ने जीरो वाला एक केस अलग लिया और विदाउट जीरो वाला एक केस अलग लिया है। आइए, आपके पास पांच नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बस कंसेप्ट को आप पकड़ के रखेंगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर हो गए, ठीक है, पांच लोग हो गए या पांच चीज़ें हो गई, कुछ भी आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। पांच बॉल्स हो गई, बॉल्स पे नंबर लिखा हुआ है, पांच लोग ले लिए टी शर्ट्स पहन के 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ तीन चेयर लगा दिए, ठीक है, ऐसे फील करते हैं। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में एक और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। खैर आइए, तो 1, 2, 3, 4, 5 से हमें इन तीन चेयर, पांच लोग हैं जिनको हमने टी शर्ट्स का नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5 और उनको तीन चेयर बैठाना है, पहली चेयर, दूसरी चेयर और तीसरी चेयर, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहली रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड मतलब एक नंबर वाला पांचों में से, मतलब पहला नंबर तीनों चेयर पे आ सकता है, दूसरा नंबर तीनों चेयर पे आ सकता है, तीसरा नंबर तीनों चेयर पे, कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वाली जब चेयर को आप भरने जाओगे तो आपके पास पांच चॉइसेस थी 1, 2, 3, 4 एंड 5 की, करेक्ट, कोई भी आके बैठ गया। जब वो यहाँ से आके बैठा तो ऐसे नहीं वहाँ कम हो गया, वहाँ अभी भी हैं, खूब सारे हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। मान लो पहली चेयर पे 1 बैठा तो दूसरी पे 1 बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। तो जब मैं दूसरी चेयर को भरने जाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास फिर से चॉइसेस आएंगी 5। सिमिलरली तीसरी चेयर को भरने जाऊंगा तो मेरे पास फिर से चॉइसेस आएंगी 5, यानी टोटल चॉइसेस कितनी आएंगी 5 × 5 × 5। कैलकुलेशन में वाला पार्ट आपके लिए, कम टू दिस पार्ट। अब उसने बोला सेकंड केस में रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब अगर एक बार 1 बैठ गया तो अब 1 नहीं बैठेगा, भले कोई और बैठ जाए। तो पहली चेयर को भरने के कितने ऑप्शन थे अपने पास, 5, जैसे कि पहले थे। अब मान ले 1 आके बैठ गया तो वहां से 1 गायब हो चुका है, अब वहां पे कौन कौन खड़े हैं, लोग 2 खड़ा है, 3 खड़ा है, 4 खड़ा है, 5 खड़ा है, यानी कि 4 लोग अभी भी वहां पे, 4 बंदे खड़े हैं, उनमें से कोई एक बंदा आकर के यहां बैठ गया तो इसको भरने के 4 ऑप्शन, फिर सिमिलरली जो लास्ट चेयर बचेगी उसको भरने के 3 ऑप्शन, क्योंकि 3 बंदे बचेंगे, उनमें से कोई भी एक बंदा आके यहां बैठ सकता है, क्लियर। खैर आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे आते हैं। केस 2 में जरा ध्यान देना, 0 का एक रोल होगा। 0 का रोल क्या होता है कि जैसे मैं आपसे बोलूं 1, 2, 0, 1, 2, 0 इज ए 3-digit नंबर क्योंकि 120, लेकिन अगर मैं 0, 1, 2 लिख दूं तो 0, 1, 2 इज ए 2-digit नंबर और हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3-digit का नंबर बनाना है। तो अगर हम 3-digit का नंबर बनाना चाहते हैं और रिपीटेशन अलाउ है, चाहे ना अलाउ हो, पहली चेयर पे 0 तो नहीं आ सकता है, तो पहली चेयर को भरने के अपने पास 4 ऑप्शन थे 0 को छोड़ करके। 4 क्यों का, 4 का मतलब क्या, याद रखना, यहाँ पे 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है, बस 0 नहीं बैठ सकता है पहली चेयर पे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ा, अब पहली चेयर को भरने के अगर 4 ऑप्शन थे तो दूसरी चेयर को भरने कितने होंगे, रिपीटेशन अलग अलाउ था, अब दूसरी चेयर पे कोई भी आ जाए, चाहे 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, मेरी बला से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो दूसरी चेयर को भरने के 5 ऑप्शन, सेम रिपीटेशन अलाउ था, तीसरी चेयर को भरने के भी 5 ऑप्शन, क्लियर। अब आइए इस वाली केस को कंसीडर करो, इस केस को समझना ध्यान से कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो अपने पास क्या कंसेप्ट होता है वो देखना। रिपीटेशन नॉट अलाउ बट 0 इंक्लूड किया गया है, तो आप क्या करो, रिपीटेशन नॉट अलाउड के टोटल केस बना दो, तो टोटल टोटल माइनस 0 एट फर्स्ट ईयर, 3-digit का नंबर बनाएंगे जिसमें 0 एट फर्स्ट ईयर, तो टोटल में से टोटल केसेस निकालो, उसमें से माइनस कर दो 0 जब पहली चेयर पर बैठा हो, आसान रहता है, हमेशा हमेशा आसान रहेगा, ध्यान रखना, रिपीटेशन नॉट अलाउड के केस में, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें भी कर सकते, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल केस कितने बनेंगे वो देख लेते हैं, तो पहली चेयर को भरने के 5 ऑप्शन, दूसरे को भरने के 4, तीसरे को भरने के 3, माइनस 0 पहली चेयर पे, तो दूसरी और तीसरी चेयर पे भरने के ऑप्शन हो जाएंगे 1 × 4 × 3, ठीक, टोटल तरीके आ जाएंगे 5 × 4 × 3 माइनस 1 × 4 × 3। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत तमीज से, बहुत ध्यान से, आराम से समझते हुए खुद करिएगा। इसी को करने का एक और तरीका है कि अगर आप मान लो ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा सिंगल लाइन में सोल्यूशन बता दो, तो पहली चेयर को भरने के 4 ऑप्शन थे, ठीक, दूसरी चेयर को भरने के फिर से 4 होंगे, क्यों 4 होंगे, जो पहली चेयर पे बैठा होगा वो दूसरी पे नहीं बैठेगा, लेकिन 0 दूसरी पे बैठ सकता है। मान लो यहाँ 1 बैठा था, एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ 1 बैठा हुआ था, अब अगर 1 बैठ गया है तो 1 नहीं बैठेगा, 1 नहीं बैठेगा तो क्या क्या बचेगा, 0, 2, 3, 4, यानी इस वाले को फिल करने कितने ऑप्शन आएंगे, 4, ठीक। अब 0 पे जाएंगे,
थर्ड चेयर पे जाएंगे तो थर्ड चेयर पे ये दो नंबर जो है वो दो नहीं आएंगे, बाकी कुछ भी आ जाएगा तो थर्ड चेयर को बनेंगे तीन ऑप्शन। कैलकुलेट करके देखो ना दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। 48 ये देगा हमको, ठीक है यहाँ से देखते हैं 60, 60 ये देगा, माइनस 12 करेंगे अल्टीमेटली आंसर 48 यहाँ से भी आएगा। ठीक है तो दोनों मेथड है, आपकी चॉइस है, जिससे चाहे आप उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक और FPCP पे बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन हुआ है। ठीक है काउंटिंग वाला क्वेश्चन होता है, डिजिट्स वाले प्रॉब्लम्स आती हैं, होता है मतलब IT में भी आती है, मेंस एडवांस दोनों में आती है। इस तरीके से एक नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल होता है एम की पावर एन टाइप ऑफ काउंटिंग वाले क्वेश्चन, एम की पावर एन टाइप ऑफ काउंटिंग। ठीक है भाई एम की पावर एन टाइप ऑफ काउंटिंग की अगर वो आपसे बात कर रहा है, एम की पावर एन की टाइप ऑफ काउंटिंग की बात कर रहा है, तो क्या होता है आइए मैं इलस्ट्रेशन से बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक ट्रिक दूंगा। ठीक है ध्यान रखना उस ट्रिक को, तो हमेशा काफी कंफर्टेबल आप रहोगे उस ट्रिक को समझने के बाद। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, उसको समझते हैं। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच, थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। फाइव लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन फाइव लेटर बॉक्सेस, फाइव लेटर्स कैन बी posted in 6-letter box, 6-letter box है और हमको 5 letter को post करना है, या उल्टा कर लो 6 letters करके 5 letter box कर दो, 6 letters से और हमको 5 letter box में post करना है। तो बहुत तमीज से इसकी भी practicality समझेंगे कि आपने letter ले रखा है और आप जा रहे हो उसको post करने के लिए, पहले दिन आपने पहला letter उठाया और post करने के, तो आपके पास कितनी choice दूंगी पहले letter को लेकर के post करने की, आपके पास 5 choices हैं। क्यों 5 choices हैं, क्यों भाई पहला लेटर लिए 5 letter box लगे हुए थे घर के बाहर, मैं गया खूबसूरती से मैंने लेटर लिखा खुशी खुशी लेटर, समझ रहे होगे हैं, और लेटर लेकर के गया और लेटर घर खोला तो देखा सामने 5 letter boxes लगे थे, तो मैंने किसी में डाल दिया मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। ठीक है फिर अगले दिन मैंने एक और लेटर लिखा क्योंकि रिप्लाई नहीं आई शाम तक, मैं वेट करता रहा शाम तक मैसेज आएगा नहीं आया, तो भाई फ़ोन तो था नहीं मेरे पास, तो मैंने फिर से एक लेटर लिखा फिर से पोस्ट कर दिया, तो भाई हमने दूसरा लेटर पोस्ट किया तो फिर मेरे पास 5 choices दिखी थी। कल मुझे ये थोड़ी याद था कि भाई कौन से लेटर बॉक्स में मैंने जाकर के लेटर पोस्ट किया था, इतना थोड़ी याद था मुझे, बस मुझे लेटर पोस्ट करना था तो मैं लेटर पोस्ट कर रहा था। फिर तीसरा दिन हुआ फिर रिप्लाई नहीं आई शाम तक, तो फिर मैंने एक लेटर और पोस्ट कर दिया, ऐसे करते करते पूरे 6 दिन हो गए। करेक्ट है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा और छठा दिन, भाई अब फिर तो मैंने सोचा छोड़ो भट्टे भाड़ने जा ना करो तुम रिप्लाई, हो गया पूरा एक हफ्ता बहुत टाइम दे दिया, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, बस संडे को मैंने डिसाइड किया अब कोई लेटर पोस्ट नहीं करना है, और चेक कर लिया हमारा आंसर कितना है, तुमने चेक किया तुम्हारा आंसर आया 5 की पावर 6। करेक्ट है अभी जो 5 की पावर 6 लिखा हुआ था इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे आइए उसको समझते हैं। आपके पास दो चीज़ें थी, 6 लेटर थे और 5 letter boxes थे। ठीक है 5 letter boxes थे, तो जो 6 letters थे वो एक वेरिएबल, वो एक रनिंग चीज थी, रनिंग मतलब लेटर ही मूव कर सकता है दुनिया में, और लेटर बॉक्सेस वो फिक्स होते हैं। देखिए हमारा आंसर आया फिक्स की पावर रनिंग, आंसर क्या है फिक्स की पावर रनिंग। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है ध्यान रखना कि फिक्स जो चीज़ें फिक्स होंगी वो नीचे बैठेंगी पावर में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से होते हैं 5 की पावर 6, 5 × 6, 6 की पावर 5, 5 factorial × 6 या 6 × 5 factorial ऐसे करके आंसर आते हैं। तो फिक्स की पावर रनिंग का कंसेप्ट क्या होता है, एम की पावर एंड टाइप ऑफ काउंटिंग क्या होती है, फिक्स की पावर रनिंग, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन फिक्स की पावर रनिंग कंसेप्ट। क्लियर अच्छा कंसेप्ट पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आते रहते हैं इस कंसेप्ट पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं डीडीडी प्रॉब्लम पे बेस्ड है वो भी, ये 5th क्वेश्चन था हमारा, मैं नंबरिंग इससे डाल लूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए और आपको भी आइडिया लगना चाहिए कि अपन ने क्रैश कोर्स में ही कितने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आएगा एक क्वेश्चन आपके पेपर में और चांसेस पूरे हैं कि PNC का क्वेश्चन हर पेपर में होगा होपफुली, मतलब बहुत ही रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि PNC का क्वेश्चन किसी टेस्ट में ना आए, किसी पेपर में ना आए, सॉरी टेस्ट नहीं पेपर की बात करो, मेंस में PNC रिलेटिवली ठीक ठीक आता है, एडवांस में थोड़ा सा बेटर रहता है आजकल, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है
कंसीडर 10 डिजिट्स 0 to 9, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 and 9, ठीक है, फुल स्टॉप। पहला पार्ट है, पार्ट्स है, इसके अंदर ध्यान से देखते हैं ना, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन फॉर्म, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनना है भाई, 10 डिजिट दे रखी है 0 से 9, अभी एक क्वेश्चन किया था, 5 डिजिट का अगर नंबर बनना है तो श्योर शॉट है कि पहले प्लेस पे 0 के अलावा कुछ भी रख दो, दूसरे प्लेस पे कहीं कुछ भी मेंशन नहीं, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो 99% आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग हमेशा रिपीटिशन अलाउ मानते हैं, अदरवाइज वो मेंशन करेगा, अगर मेंशन नहीं कर रहा तो हम रिपीटिशन मेंशन नहीं कर रहा तो हम लोग रिपीटिशन अलाउ मानते हैं। तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन हैं उसके पास, क्योंकि 0 नहीं बैठेगा, बाकी सब बैठ सकते हैं। दूसरे प्लेस को फिल करने के उसके पास 10 ऑप्शन थे, तीसरे प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है, फोर्थ प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है, फिफ्थ प्लेस को फिल करने के 10 ऑप्शन है, तो 5 डिजिट कितने नंबर बनेंगे, तो टोटल 9005 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और रिपीटिशन नॉट अलाउ करते, मान लो इसी का ये फर्स्ट पार्ट है, रिपीटिशन अलाउ टिक कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूँ रिपीटिशन नॉट अलाउ, मान लो मेरा मन कर रहा हो मैं आपसे पूछूं कि रिपीटिशन अलाउ नहीं, अब आंसर बताओ भाई, ये मेंशन होता है, ध्यान रखना, आप परेशान नहीं होना, लैंग्वेज को पकड़ना है पीएनसी में, पीएनसी में आंग्ल भाषा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आंग्ल भाषा समझते किसे कहते हैं, अंग्रेजी, ठीक है, और आप सब तो इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तो यहाँ से इंटरप्रेट करके अपने पास 5 डिजिट का नंबर फिर से बनाना है, लेकिन अब क्यों रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन, 0 नहीं बैठेगा, दूसरे प्लेस को फिल करने के 9 ऑप्शन, 0 तो बैठ सकता है लेकिन जो पहले प्लेस से बैठा था वो नहीं बैठेगा, करेक्ट है। तीसरे प्लेस को फिल करने के 8 ऑप्शन बचे, क्योंकि पहली दो प्लेस से बैठे हुए नंबर यहाँ नहीं बैठेंगे। चौथे प्लेस को फिल करने के 7 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहले 3 प्लेसेस से बैठे हुए नंबर यहाँ नहीं बैठेंगे। और पांचवे प्लेस को फिल करने के इसी तरीके से 6 ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि पहले 4 प्लेसेस पे जो नंबर बैठे हैं वो यहाँ नहीं बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से मान लो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी इवन डिजिट नंबर्स, इसमें 5 डिजिट नंबर्स तो हैं, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर्स, 5 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, 5 डिजिट के कितने इवन नंबर्स होंगे वो बताइए। अब जब 5 डिजिट की बात करो और इवन नंबर की बात कर रहा है, तो रिपीटिशन अलाउ रिपीटिशन नॉट अलाउ अगेन कंसीडर, मान लो मैं एक ही केस लेकर के चल रहा हूँ, रिपीटिशन नॉट अलाउ, ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउ, मैंने यहाँ पे केस ले लिया रिपीटिशन अलाउ नहीं था। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं था और कोई नंबर अगर इवन होना है, तो कोई नंबर इवन होने की सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि उसके लास्ट प्लेस पे या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसके दो केसेस बना देंगे। क्यों दो केसेस बनाएंगे, आइए समझते हैं। दो केसेस बनाने के बेसिकली बेटा मेरा बेसिक रीजन यहाँ पे ये है कि हम एक 0 का एक स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज वही टोटल माइनस करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दैट हम एक स्पेशल केस कंसीडर कर ले रहे हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउ है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउ में 0 लास्ट ईयर पे हो और 0 लास्ट ईयर पे ना हो, दो केसेस अपन ने कंसीडर कर लिए। अगर 0 लास्ट ईयर पे बैठा है फिर तो दर्दी खत्म है, पहले प्लेस को फिल करने की कितनी चॉइस है अपने पास, रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो 9, दूसरे प्लेस को फिल करने के 8, तीसरे प्लेस को फिल करने के 7, चौथे प्लेस को फिल करने के 5, 6 और लास्ट प्लेस तो एक ही तरीके से भरे क्योंकि 0 को बैठाया गया, ठीक है। तो ये तो तब आ गया जब हमने लास्ट प्लेस पे 0 को बैठाया था। अब मान लीजिए हमने लास्ट प्लेस पे 0 नहीं रखना है, करेक्ट है, बाकी कुछ और रखना है, तो कुछ और रखना है तो इवन नंबर्स की बात कर रहा, तो एंडिंग किससे होनी चाहिए तो एंडिंग होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8, करेक्ट है, 0, 2, 4, 6 और 8 से। 0 नहीं आएगा तो फिर लास्ट प्लेस को फिल करने के अपने पास कितनी चॉइसेस हैं, 4, करेक्ट है। अब रिपीटिशन नॉट अलाउ है, पहली चेयर पे 0 नहीं आएगा और ये नंबर नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो यानी पहले प्लेस को फिल करने के 8 ऑप्शन बचे, ठीक है। दूसरे प्लेस पे आए, अब दूसरे प्लेस पे ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, बाकी कुछ भी आ सकता है, तो मेरे पास फिर से कितने ऑप्शन बचे, 8 बचे, इस तरीके से इसको भरने कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, और इसको भरने कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो दिस प्लस दिस, मतलब ये वैल्यूज आएंगे आपके पास, ध्यान रखना कि पहले वाले मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 8 × 8 × 7 × 6 × 4 प्लस 9 × 8 × 7 × 6 × 1, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन
डिजिट, कितनी इवन डिजिट बनेंगी इनसे, वो आ गया। अब मान लो पूछे और बताओ, तो टोटल नॉन रिपीटेड माइनस इवन नॉट रिपीटेड, टोटल नॉन रिपीटेड ये केस था माइनस इवन नॉन रिपीटेड, तो जब इवन हटी गया तो बचेगा कौन सा, सिर्फ ऑड ही तो बचेगा, तो ऑड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है कि इफ द नंबर इज ए पैलिंड्रोम, मान लो उसका नेक्स्ट पार्ट है नंबर इज ए पैलिंड्रोम, नंबर इज पैलिंड्रोम। कई लोगों को पैलिंड्रोम नहीं पता होगा शायद, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से पीछे से सेम दिखे, जैसे मॉम, करेक्ट है, एम ओ एम, आगे से पढ़ोगे तो भी मॉम दिखेगा, पीछे से पढ़ोगे तो भी मॉम दिखेगा। जैसे नितिन, एन आई टी आई एन, आगे से पढ़ोगे तो भी और पीछे से पढ़ोगे तो भी वो सेम दिखेगा। इस तरीके से पैलिंड्रोम में रिपीटेशन अगर अलाउ होता है, ये तो वो वाला केस है कि रिपीटेशन अलाउ हो रहा है। अब एक फॉर्मेट ये भी आता है, जैसे मान लो ट्रिपल ए आ जाए आ, ठीक है, तो ये भी एक पैलिंड्रोम है, आगे से भी आ निकलेगा, पीछे से भी आ निकलेगा, तो दोनों साइड से अगर आ निकल रहा है तो ये भी कैसा है, एक पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है। तो उसने बोला जो पांच डिजिट का नंबर आप बनाओ वो एक पैलिंड्रोम हो, तो शानदार बात भाई, पहले प्लेस को फिल करने के नौ ऑप्शन, जो पहले प्लेस पे फिल होगा वही लास्ट प्लेस पे बैठेगा क्योंकि पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है। अब आप सोचोगे सर आपने नाइन प्लेसेस ही क्यों लिए, भाई नाइन तो इस नाइन तरीके क्यों लिए पहले प्लेस को फिल करने के। अरे भाई कॉमन सी बात है, अगर फाइव डिजिट नंबर बनाना है तो जीरो तो पहली चेयर पे नहीं बैठेगा। अब जब जीरो नहीं बैठेगा तो बैठेगा कौन, वन टू थ्री फोर से लेकर के नाइन तक का। अब भाई जो नंबर फर्स्ट चेयर पे बैठ गया आखिरी चेयर पे तो वही नंबर बैठना चाहिए, क्यों, क्योंकि पैलिंड्रोम का फॉर्मेट है, तो पहली और आखिरी चेयर सेम होती है। जैसे मॉम की बात कर लेता है तो मॉम में भी पहली और आखिरी सेम, मान लीजिए मैं नितिन की बात कर रहा हूँ तो नितिन में देखो पहली और आखिरी चेयर सेम थी। ऐसे जब मैं सेकंड में जाऊंगा तो अब सेकंड में 10 ऑप्शन है, ये मत बोलना सर रिपीटेशन नॉट अलाउ, अरे भाई पैलिंड्रोम में तो रिपीटेशन तो अलाउ होगा ही होगा भाई, कॉमन सी बात है ना कि अगर आपने एन ले लिया है तो आखिरी चेयर पे तो नहीं आया तो रिपीटेशन तो अलाउ ही है। उसमें ये कंसीडर करने की कहीं से भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि रिपीटेशन अलाउ है या अलाउ नहीं है, वो अंडरस्टूड हो गया। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, इंग्लिश वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए समझना कि कहाँ कहाँ आंग्ल भाषा का ज्ञान हमारा यूज हो रहा है। तो यानी कि सेकंड प्लेस को भरा 10 तरीके से, तो सेकंड लास्ट प्लेस अपने आप उसी तरीके से भर गई जिस तरीके से सेकंड प्लेस भरा था, तो उसको भरने का बेसिकली एक तरीका। फिर जब मैं थर्ड प्लेस पे गया तो थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास फिर से चॉइसेस 10 हो गई। क्यों 10 हो गई, क्योंकि भाई जो यहाँ था या यहाँ था वो भी यहाँ आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ, करेक्ट है, तो नहीं टोटल तरीके कितने आ गए 9 × 10 × 10, तो ये पर्टिकुलर पैलिंड्रोम वाला फॉर्मेट आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मिल भी जाए आपको मेल्स में। नंबर ऑफ इज नंबर इज डिवाइड बाय 4, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जैसे हम लोगों ने इवन की बात की थी वैसे 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। कॉमन सी बात है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ की रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, क्रॉस का मतलब नॉट अलाउ है। ठीक है, बार बार देखना, शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ, सिर्फ इसलिए शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूँ कि टाइम बचे और अपन ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर पाए कंफर्टेबली। तो नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब नंबर डिविजिबल बाय 4, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, क्या मतलब हुआ इसका, कि चार डिजिट का नंबर चाहिए रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 4 से 5 डिजिट का नंबर चाहिए रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 4 से डिविजिबिलिटी का फंडा क्या कहता है कि लास्ट दो चेयर पे बैठे हुए जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, करेक्ट है। तो इसके हम लोग दो केस बनाते हैं बेटा, पहला केस बनाते हैं कि उसके 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट दो चेयर में जीरो आए और लास्ट चेयर में जीरो ना आए। तो जीरो वाले केस को अगर कंसीडर करोगे तो आपके पास आएगा 0, 4, 4, 0, 2, 0, 8, 0, करेक्ट है, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इससे बाकी कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगी, 2 double 0 अपन ले नहीं सकते, ठीक है, 00 लेंगे नहीं, 0, 4, 0, 2, 0, 8, 0, 6, 0 और 0, 8, 0, 8, ये छः प्लेसेस, छः चॉइसेस आएंगी यहाँ पे लास्ट प्लेस पे फिल करने में अगर नंबर 4 से डिविजिबल चाहिए और उसमें 0 हो, तो 4 होगा, 8 होगा, 8 के बाद 20 होगा, मैं थोड़ा सा आर्बिट सा ऑर्डर दिया है, 0, 4 पहला नंबर जो 0 के साथ बैठा हो लास्ट चेयर पे, लास्ट दो चेयर पे 400 डिसिबल हो, 0, 0, 4, 0, 8, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, क्लियर। अब पहली प्लेस को फिल करने के अपने पास इन दोनों के अलावा कितनी चॉइसेज हैं, 8 चॉइसेज हैं,
दूसरे प्लेस को फिल करने के अपने पास इन दोनों के अलावा 7 चॉइस दे, तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए इन दोनों के अलावा 6 चॉइस दे दें, तो टोटल चॉइसेस कितनी आ गई, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, अब इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए अपने पास 6 चॉइसेस थी, इंटू 6 आ गया। प्लस दूसरे वाले केस पे चलते हैं, अब दूसरे वाले केस में क्या करूँगा मैं, जीरो ना बैठा हूँ, तो जीरो ना बैठा हो तो पहला नंबर जो आएगा 0408 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16 आएगा, ऐसे जाएंगे तो 96 आएगा, ठीक है। ऐसे टोटल केसेस होंगे अपने पास चार से ड्यूजिबिलिटी वाले नंबर्स में, ऐसे टोटल केस अपने पास होंगे चार से ड्यूजिबिलिटी वाले केसेस में। इसमें ध्यान रखना रिपीटेशन अलाउ में एक 44 और एक 88 दो नंबर माइनस करने पड़ेंगे, तो टोटल आएंगे 4 से 96 24, टोटल नंबर्स होंगे 4 से 96 24, मतलब 24 नंबर ऐसे होंगे टोटल जो 4 से डिविजिबल होंगे, उस 24 में 6 मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ, तो 24 में से 6 चले गए 18 में दो नंबर और हटाने पड़ेंगे आपको, 18-2 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको भरने के मतलब टोटल तरीके कितने आएंगे, 16 तरीके आएंगे ये। अब आप सोच रहे हो ये दो कौन से माइनस किए मैंने, ये दो बेटा वो माइनस होंगे जब 44 आया होगा और 88 आया होगा रिपीटेशन की वजह से, तो 44 और 88 को हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इससे हमारे वो दो केस और माइनस हो जाएंगे और टोटल केसेस कितने बन जाएंगे, 16। अब पहली चेयर पे जीरो नहीं बैठेगा और ये दो नंबर नहीं बैठेंगे, यानी पहली चेयर को भरने के अपने पास 7 ऑप्शन है, दूसरी चेयर को भरने के लिए 3 माइनस होंगे, 7 ऑप्शन फिर से हैं, और तीसरी को भरने के लिए 6 ऑप्शन है, यानी ये आ गया 7 × 7 × 6, तो टोटल तरीके आ गए अपने पास 8 × 7 × 6 प्लस 7 × 7 × 6 × 16, ऐड देम गेट द आंसर, ठीक है। तो ये अपने पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 4 से ड्यूअलिटी के लॉजिक का यूज़ करता हो, किस तरीके से हम 4 से ड्यूअलिटी के लॉजिक को हम यूज़ करते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम बात करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ये तो हमने बेसिक आपको बता दिया किस तरीके से हम बेसिक इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्या होता है परमुटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, कई उसको समझते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। परमुटेशन क्या होता है पहले हम वो समझेंगे शॉर्ट में, और फिर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन को पहले समझते फिर परमुटेशन पाएंगे। कॉम्बिनेशन एक्चुअली में कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन है सिर्फ सिंपल सी चीज, और वो है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्शन करना। जैसे क्लास के अंदर मान लो 100 बच्चे बैठे हुए थे और हमें उसमें से 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो ये एक प्रोसेस हो गया सेलेक्शन। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने किस बच्चे को किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 5 बच्चे हमें सेलेक्ट करने, तो हमने 5 बच्चे कैसे भी रैंडमली उठा लिए, फिर उसको उठाने के तरीके कितने होते हैं, 10c5। तो जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली क्या होता है, वो होता है NCR। अगर n बच्चों में 4 बच्चों को उठाना है तो उसको हम लोग बोलते हैं NCR, और फॉर्मूला होता है उसका n·r·n − r·। सबको पता है, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम टू इंटरप्रिटेट दिस पर्टिकुलर प्रूफ। अब बात आती है परमुटेशन की, यही चीज़ अगर परमुटेशन में होती है तो परमुटेशन में इसको हम कैसे समझते हैं वो समझो, कि क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठे हुए थे और आगे मैंने स्टेज पे 5 चेयर रख दी। अब मेरे से बोला जा रहा है कि उन 100 बच्चों में से किसी 5 बच्चों को उठाइए और स्टेज पे बैठाइए, तो 5 बच्चों को उठाना एक प्रोसेस है और उठा करके उनको चेयर पे बैठाना ये दूसरा प्रोसेस है। तो जो परमुटेशन है ये कंप्लीट प्रोसेस है कि उठाओ और बैठाओ, सिर्फ उठाना कॉम्बिनेशन है और उठा के बैठाना परमुटेशन है। तो 10 बच्चों में से 5 बच्चों को उठा के बैठाऊंगा तो एक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, कि मान लो मुझे अच्छा लगेगा कि हाइट वाइज बच्चे बैठे हों, या फिर मैं रैंक वाइज बोलूँगा, फर्स्ट रैंकर जो होगा उन 5, मान लो 10 बच्चों में से क्लास में 100 बच्चे थे, 5 बच्चे मैंने रैंडमली उठाए, अब उस 5 बच्चों में जिनके परसेंटेज ज़्यादा होंगे करस्पॉन्डिंगली मैं उनको बैठने के लिए बोलता जाऊँगा। मान लो एक बच्चा आगे मेरे पास 80% का, एक आगे 90 का, एक आगे 70 का, एक आगे 30 का, एक आगे 50 का, तो हम पहले बोलेंगे जॉब बेटा 90 वाले आप बैठो, फिर 80 वाले या 70, इस तरीके से। या फिर मैं एज वाइज बैठा सकता हूँ, या फिर मैं हाइट वाइज बैठा सकता हूँ, या फिर मैं मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे वो बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा कम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग बैठाऊँ। तो ये सारी चॉइसेज आ गई, ये ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं। ये सब क्या है, चॉइसेज जो आ रही है, ये सब किसको मेंटेन कर रही है, ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। तो जो परमुटेशन होता है वो होता तो बेसिकली NPR है, बट ये होता दो प्रोसेस है। दो प्रोसेस का क्या प्रोसेस है वो समझना, ठीक है। कि 100 बच्चे थे उनमें से 5 बच्चों को उठाया तो 100c5, अब उन 5 बच्चों को 5 चेयर पे बैठाना है, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ 5 बच्चों को 5 चेयर पे बैठाने के तरीके तो थे 5 factorial। तो जो NPR होता है ना बेसिकली कुछ नहीं है, NCR सेलेक्ट करो और into r factorial अरेंज कर दो।
इसको यूजुअली हम लोग फॉर्मूले में अगर जाओगे तो बनेगा एन फैक्टोरियल, देखो आर फैक्टोरियल कट जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका नोटेशन आजकल ये वाला बहुत चलता है एन और आर का, कई बुक्स में मिलता है, बाइनोमियल में आपने देखा होगा इस तरीके के फॉर्मेशन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा परम्यूटेशन होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। बाकी बेसिक बेसिक से पॉइंट है, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, एन सी इनकम भी मतलब वन होता है। एन सी जीरो मतलब किसी को मत उठाओ, एक ही तरीका, खुद चले जाओ क्लास से बाहर। एन सी मतलब सबको उठाओ, आ जाओ मेरे पीछे, सबको बोलते हुए निकल लो। ठीक है, इस तरीके से एन पी एन होता है, इस तरीके से एन पी जीरो होता है, बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर दो। अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं देखना, एन पी एन का मतलब जीरो फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली एन फैक्टोरियल, 100 बच्चे थे, 100 के 100 को अरेंज करो तो 100 फैक्टोरियल, खत्म। 100 में से किसी को भी अरेंज ना करो तो जीरो रख दो, वन, एक ही तरीका, क्लास छोड़ो और बाहर चले जाओ। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ बेसिक फॉर्मूले और आते हैं, वो भी ध्यान होने चाहिए। प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, बस पता होना चाहिए, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। इसी के एक फॉर्मूला होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, ये सब यूज होते हैं फॉर्मूले, एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस तरीके से एक फॉर्मूला और होता है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, एम सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। तो इसके दो रिजल्ट आते हैं, या तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, या फिर, और दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये काम की चीज़ें हैं, ध्यान रखना, कई बार यूज़ करने को मिल जाती हैं और हमें क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है, हमें पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक पॉइंट है, कोई बहुत ताबड़तोड़ चीज़ें नहीं बताई मैंने आपको, बट पता होना चाहिए फिर भी किस तरीके से ये आ रही हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात कर ली, कि परम्यूटेशन का मतलब होता है चीज़ों को सेलेक्ट करके अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सेलेक्ट करना है। सेलेक्शन करते वक्त ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट अरेंजमेंट करते वक्त ऑर्डर मैटर करता है, मतलब परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। सेलेक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजेक्शन, इसलिए कॉम्बिनेशन को हम लोग रिजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एन सी आर इज सेम एज, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहो तो और यहाँ पे भी आता है, बट ठीक है, मैं यही लिखा देता हूँ, एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर। आया कहाँ से, वो यहीं से आया। ठीक है, एन में से क्लास में से 100 बच्चे थे, 10 को सेलेक्ट करो या 90 को रिजेक्ट करो, 10 को सेलेक्ट करो या 90 को रिजेक्ट करो, एक ही बात होती है। तो एन सी आर इज सेम एज एन सी एन माइनस आर। तो ये उन्होंने कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है, किस तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन को इंटरप्रेट करते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी से। कंसीडर लाइक फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर गणेशपुरी, ठीक है, गणेशपुरी, फाइंड द नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड। ठीक है, पहला पार्ट मान लो बोला फाइंड थ्री लेटर वर्ड फ्रॉम अबव लेटर्स, तो तीन लेटर के वर्ड बनाने हैं और ऊपर कितने लेटर्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दस लेटर्स हैं, तीन लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो 10 बच्चे खड़े थे, तीन बच्चों को बुला लो, बच्चों आओ 10C3 तरीके से, और उन तीन बच्चों को वर्ड्स बनाने हैं, मतलब बैठाना भी होगा, तो बैठाने के तरीके कितने होंगे, इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो 10C3 इंटू थ्री फैक्टोरियल, या इसी को लिख सकते थे आप 10P3, क्योंकि वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वोवल्स आर टुगेदर इन ईच वर्ड। ठीक है, अगला वर्ड है फाइंड फाइव लेटर वर्ड्स, टोटल फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स इफ वोवल्स टुगेदर Using all the letters. सारे letters का use किया गया, vowels को एक साथ रखा गया। ठीक है, तो भाई vowels कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, पांच होते हैं vowels, A, E, I, O, U। ठीक है, तो चार मुझे मिल गए इसमें, तो इन चारों को एक साथ रखना है, तो इन चारों को एक साथ रखना है, मतलब एक पैकेट बना दो जिसमें A, E, U, I को रख दो ऐसे, और बाकी लेटर्स रख दो, जी रख दो, एन रख दो, एस रख दो, एच रख दो, पी रख दो और आर रख दो, तो छः और एक सात, सात चीज़ें टोटल होगी मेरे पास।
इन सात चीजों को अरेंज करने के टोटल तरीके होंगे 7 factorial। ठीक है, अब मैं FPC भी यूज करता जाऊंगा, PNC भी यूज करता जाऊंगा, तो इन सात चीजों को अगर मुझे अरेंज करना है तो सात चीजों को सात जगह को अरेंज करने के तरीके 7 factorial, इसको मैं लिख सकता 7P7। करेक्ट, अब उसमें से क्या है हमको इन चार को खोलना है, बोरे में डाला गया, टुगेदर जब भी होते ना था वॉज टुगेदर जब भी चीजें दिखेंगी ना बेटा हमेशा एक पैकेट में डाल दो, टुगेदर अगर चीजें चाहिए मतलब एक साथ चाहिए तो उनको एक पैकेट में डाल दिए, पैकेट में डाल दिया तो AEUI का पैकेट बन गया। अब उस पैकेट से चार लोगों को निकालो और अरेंज कर दो इनटू 4 factorial। ठीक है, अब मान लो बोलते कि इसी के नेक्स्ट पार्ट आ गया, फाइंड नंबर ऑफ वोवल्स आर सेपरेटेड सेपरेटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेथड या कुछ भी बोल सकते हो, स्ट्रिंग में बांध दिया स्ट्रिंग मेथड कहलाता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। ठीक है, नॉट टुगेदर तो गैप मेथड, सेपरेटेड या नॉट टुगेदर एक ही बात है, टुगेदर है तो पैकेट में डालो और सेपरेटेड है तो स्ट्रिंग में मतलब गैप में डालो। तो क्या करना है, हमें AEUI को साथ में रखना है। ठीक है, मैं बाकी छः के साथ तो कोई दर्द नहीं था तो हमने इन छः को बैठा दिया, तो इन छः को बैठाया मतलब GNSHP और R, इन छः को बैठाया, इन छः को बैठाने के तरीके होंगे 6 factorial। ध्यान समझते जाना ये सब चीज़ें, अब काम की शुरू हो गई बेटा। ठीक है, तो 6 letters जो हमें मिले हैं उन 6 letters को अरेंज करने के हमारे पास टोटल तरीके आ जाएंगे 6 factorial। ठीक है, जिसमें एक भी वॉवल अभी नहीं आया। अब वॉवल्स को साथ में नहीं रखना है तो वॉवल्स को इन्हीं लेटर्स के बीच में गैप्स में रख दो। तो अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 gap आ गए। भाई 7 तो वॉवल्स भी नहीं थे तो हमें तो वॉवल्स के लिए कितनी जगह चाहिए, सिर्फ 4 ही वॉवल्स थे, तो इन 7 gap में से 4 gap कोई भी यूज़ कर लो। तो उसको यूज़ करने का तरीका मतलब होता है 7C4, 4 gap सेलेक्ट कर लिए, मान लो ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया। अभी जो 4 selected gaps हैं उन 4 selected gaps में वॉवल्स को बोलूँगा जाओ और बैठो, तो वॉवल्स को कितने गैप दिख रहे हैं 4, तो वो चारों उठे और भाग के गए अपने अपने जहाँ बैठना था वहाँ बैठ गए। तो उनके बैठाने के टोटल तरीके कितने होंगे, 4 gap, 4 vowels को बैठाना है तो 4 factorial इज द टोटल वेज इन विच 4 vowels 4 factorial वेज से उन 4 जगहों पे बैठ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अभी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं इसमें, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर मास्टर प्रॉब्लम करके हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं छोटी छोटी, जिस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास। वोवल सर, कई बच्चे हमें कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोज ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। सेपरेटेड या इसी को हम लोग बोलते हैं नो टू वोवल्स आर टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसे है कि ऑल वोवल्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जितने भी वोवल्स हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना है, जहाँ कहीं भी बैठे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है, सिंपल सी कहानी ये है। तो हमने क्या किया, अपने पास टोटल 10 चेयर थी, उसमें 10 लेटर्स को बैठाना था, कंडीशन ये थी कि वोवल्स को अल्फाबेटिकली बैठना था जहाँ कहीं बैठेंगे। तो अपन ने क्या किया, 10C4 से 4 चेयर सेलेक्ट करी वोवल्स के लिए, 10 चेयर लगा दी अपन ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस 10 चेयर में से 4 चेयर सेलेक्ट करी जिन पे वोवल्स को जाके मैंने कहा बैठो। अब जब मैंने उनको बोला कि जाओ उन 4 चेयर्स पे बैठो, तो उनको कंडीशन दी गई थी कि अल्फाबेटिकली बैठना है, यानी कि अल्फाबेटिकली बैठना था, सबसे पहले ए बैठेगा, फिर ई बैठेगा, फिर आई बैठेगा, फिर यू बैठेगा, यानी उन 4 places पे, मान लो उन्होंने ये 4 places सेलेक्ट किए अपने लिए। ठीक है, तो वोवल्स ने जो 4 places सेलेक्ट किए अपने लिए, उन 4 selected places पे उन चारों वोवल्स के बैठने का तरीका एक होगा, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठना है। अब बाकी बच्चे अपने पास 6 consonants, उन 6 consonants के साथ कोई कंस्टेंट नहीं है, वो कैसे बैठेंगे, कहीं किसी भी तरीके से बैठ सकते थे, तो उन 6 consonants को उन 6 remaining chairs पे अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, 6 factorial। क्लियर है, तो एक गैप मेथड इस क्वेश्चन में अपन ने सीखा,
एक अपन ने स्ट्रिंग मेथड बोलो या बोरा मेथड बोलो या पैकेट मेथड बोलो वो सीखा, एक अपन ने अल्फाबेटिकल कंसेप्ट को सीखा और किस तरीके से लेटर्स को बैठाना है वो सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने वो सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से अपने पास आता है, कंसीडर 9 points in a plane consider 9 points in a plane no three are collinear except 4 which lies in a straight line. पहला पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दूसरा पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स बनेंगे कितने स्ट्रेट लाइंस बनेंगे ये हमें बताना होता है क्वेश्चन में। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इनको हम लोग फिगर प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कितने फिगर्स बनेंगे कितने पैलोग्राम बनेंगे कितने स्क्वायर बनेंगे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अभी अपन जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कुछ देखेंगे, लास्ट ईयर के थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। खैर अभी तो अपन चैप्टर को फिनिश करते हैं जल्दी से। तो 9 points दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 तो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और बाकी 1, 2, 3, 4 और 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। इन 9 points कुछ ऐसे दिए हुए थे प्लेन के अंदर जिसमें 4 एक लाइन पे लाई कर रहे हैं बाकी 5 हवा में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो मैंने एक सर्किल पे ले लिया कि कुलीनियर नहीं आने चाहिए, कुलीनियर नहीं आएंगे। अपने को पहले पार्ट कहाँ से देना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेंगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं 2 points चाहिए होते, तो कोई भी 2 points उठा लूँगा स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, तो टोटल तरीके होते 9C2। बट 9C2 में एक दर्द आएगा कि 9C2 में वो भी केस आएगा जब बार बार ये लाइनें उठ रही होंगी, क्या हो रहा होगा वो समझना। कि मान लो 2, 3 9C2 में आ गया, 9C2 में तो 2 points उठाना, 2, 3 उठाओगे तो यही लाइन बनेगी, 3, 4 उठाओगे तो यही लाइन बनेगी, 1, 2 उठाओगे तो ये लाइन बनेगी, 1, 3 उठाओगे तो ये लाइन बनेगी। तो टोटल लाइंस माइनस लाइन ड्यू टू द कुलीनियर पॉइंट्स वो आएगी 4C2। अब जब कुलीनियर पॉइंट से बनने वाली लाइंस माइनस कर दी जो रिपीटेशन हो रहा था, तो ये लाइन खुद भी चली गई, तो प्लस 1 कर दिया इस लाइन के लिए। इस तरीके से ट्राइंगल्स की बात करेंगे, तो 9C3 किसी ट्राइंगल के बनाने के 3 points होंगे और कुलीनियर पॉइंट ट्राइंगल ही बनाएंगे तो माइनस का 4C3। प्लस 1 करने का लॉजिक नहीं है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे तो ट्राइंगल बनाने के लिए कुलीनियरिटी की वजह से कभी भी ट्राइंगल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल से साधारण सा क्वेश्चन, बट फिगर प्रॉब्लम पता होना चाहिए। छोटे से पॉइंट से ध्यान रखना, नोट करके डालना चाहो तो डाल लेना। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर consecutive things out of n things in a line। आर चीजें अगर हमें उठानी और एन चीजें बैठी हुई लाइन में, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स, आर कॉन्जिक्यूटिव ध्यान रखना, तो इज इक्वल्स टू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। 10 चीजें बैठी थी और हमें 3-3 के कॉन्जिक्यूटिव उठाने, कितने पेयर उठ सकते हैं एक लाइन में, 3 लगातार उठाने, उसका फॉर्मूला आता है एन माइनस आर प्लस वन। डेरिवेशन समझ लेना, बहुत एन और आर की वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हो। और यही सेम चीज़ होता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर कॉन्जिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स इन अ सर्किल, यहाँ पे लाइन था और यहाँ पे सर्किल आ गया, बाकी सब सेम है, करेक्ट है। कि अगर अपने पास लाइन में 10 लोग बैठे हैं उसमें से 3-3 के कितने जोड़े उठा सकते हो कॉन्जिक्यूटिव, तो आंसर आएगा 10 - 3 + 1। और अगर यही 10 लोग सर्किल में बैठे होंगे और उसमें अगर हमें 3-3 के जोड़े उठाने होंगे, उसके नंबर ऑफ वेज आएंगे n - r + 1 cr। कहाँ से आता है ये मैं भी आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद जब हम लोग सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे, अभी तो आप सिर्फ नोट कर लें, याद छूट जाता है मुझे ध्यान नहीं रहता है, इससे ज़रूरी है
इस चीज को समझते हुए चलना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कंसीडर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, कंसीडर फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स, ठीक है, इन ए क्लास, इन अ क्लास, किसी क्लास के अंदर चार बॉयज चार गर्ल्स बैठे हुए हैं। हमसे क्या कह रहा है वो, पहला पार्ट, खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर, तो अपन पहला पार्ट ले रहे हैं। फाइनल नंबर ऑफ वेज इन दे कैन सिट टुगेदर, इफ फाइनल नंबर ऑफ वेज इफ दे कैन सिट टुगेदर, अगर वो एक साथ बैठा है तो कितने तरीके होंगे, टोटल वेज, टोटल वेज ऑफ सिटिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, एक साथ अगर बैठे हैं तो कितने तरीके होंगे, तो आठ बच्चे बैठे हैं, एट फाइव ट्वेल्व तरीके, आठ बच्चों को आठ चेयर बैठाना है, एट फाइव ट्वेल्व वेज। ठीक, दूसरा पार्ट रहता है इसमें, फाइन टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक कितने हुए, हर बॉय हर गर्ल आपस में अगर हैंडशेक कर रहा है तो जैसे एक बच्चा आएगा, हैंडशेक की बात करें ना, तो एक बच्चा आएगा तो राइट और राइट जो हैंडशेक होता है ऑफिशियली तमीज़ वाला, वही हैंडशेक हो रहा है क्लास के अंदर, ये नहीं कि एक ने एक को लात मारी, बोला गुरु आ गया क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रॉपर प्रोफेशनल क्लास एंड द फोर बॉयज एंड फोर गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास एंड दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर, इफ दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर, हर बच्चे ने हर बच्चे से हाथ मिलाया, तो मान लो एक बच्चा था बच्चा नंबर वन, तो वो तीन बॉयज चार गर्ल्स से हाथ मिला रहा है, तो टोटल हैंडशेक कितना होगा, तो टोटल हैंड्स कितने जनरेट होंगे, आठ होंगे, और हर हैंडशेक के लिए दो हैंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो एट सी टू, आई रिपीट, आठ टोटल हैंड्स होंगे, आठ हैंड्स क्यों होंगे, आठ बच्चों के राइट हैंड्स, और हर हैंडशेक के लिए मुझे दो राइट हैंड चाहिए, तो जितने तरीके से मैं आठ बच्चों के हैंडशेक में से दो हैंडशेक, दो हैंड्स उठाते जाऊंगा, हर बार एक हैंडशेक जनरेट होता जाएगा। ठीक है, तो एट सी टू आंसर आ जाएगा हैंडशेक का। थर्ड पार्ट आता है इसमें, They sit and boys are not together. Boys are not together. Not together. वो बैठे हैं लेकिन boys एक साथ नहीं बैठे हैं। वो बैठे तो हैं लेकिन boys एक साथ नहीं बैठे हैं। तो boys एक साथ नहीं बैठे, boys gap में बैठे होंगे, तो चार girls को बैठा दिए, G1, G2, G3, G4, चार girls को बैठाने का तरीके होगा 4 factorial। boys को साथ नहीं बैठना है तो boys को इनके आगे पीछे इस तरीके से gap में बैठा दिया, तो गैप्स ने बैठा दिया तो पांच गैप्स आएंगे, तो उन पांच गैप में से चार गैप सेलेक्ट कर लिए बॉयज के लिए, और उन चार सेलेक्टेड गैप्स पे बॉयज को चार फैक्टोरियल से मैंने अरेंज कर दिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, चारों बॉयज साथ में नहीं बैठना चाहते, नो टू सिट दे सिट फोर बॉयज आर नॉट टुगेदर, वो बैठे हैं लेकिन चार बॉय साथ में नहीं बैठे हैं, फॉर they sit and boys are not sit not together, boys साथ में नहीं होने चाहिए, no two boys are together लिखो, no two boys are together and no two boys are together, no two boys are together, ये लैंग्वेज प्रॉपर बेटर रहेगी इसकी, कोई भी दो बालक साथ में नहीं होने चाहिए, दो नहीं होने चाहिए मतलब तीन भी नहीं होने चाहिए, चार भी नहीं होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो अपन इसको गैप मेथड से करते हैं, तो अपन ने गर्ल्स को बैठाया, गर्ल्स के बीच में गैप जनरेट किया, और उस गैप में उन चार बॉयज को बैठा दिए 4 factorial के तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट। ठीक है, इफ दे आर सिटिंग ऑल्टरनेटिवली, दे सिट ऑल्टरनेटिवली, अब अगर उनको ऑल्टरनेट बैठना है, मतलब पहले बॉयज फिर गर्ल्स, या पहले गर्ल्स फिर बॉयज, तो किसी एक को बैठा दो। ठीक है, मान लो आपके और मैंने बॉयज को बैठा दिया, B1, B2, B3 एंड B4, तो चार बॉयज को बैठाने के 4 factorial तरीके। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसको समझना बेटा, अब जो गर्ल्स आएंगी उनको ऑल्टरनेट बैठना था, तो जब गर्ल्स रूम के अंदर बैठी घुसी चारों गर्ल्स, तो उनको दिखा कि चार बॉयज बैठे हुए हैं, अब गर्ल्स या तो यहाँ पे बैठ जाती चार चेयर लगा करके, या फिर ऐसे बैठ जाती, यानी गर्ल्स के पास दो चॉइसेस थी बॉयज के रिस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिव बैठने के लिए, या तो वो आगे से बैठना शुरू करती है, वो पीछे से बैठना शुरू करती है, उनके पास दो चॉइसेस थी, उनमें से दो चॉइसेस में से एक चॉइस को सेलेक्ट किया, उस चॉइस पे सेलेक्टेड पे मान लो उन्होंने पीछे से सोचा कि हम पीछे से बैठ लें, तो उनके सेलेक्शन में चार चेयर्स लगी हुई थी, उन चार चेयर्स पे चार गर्ल्स के बैठने तरीके 4 factorial कंसीडर हो गए। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट सेटिंग के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे।
ठीक है। एक ऐसे पार्ट मान लो नेक्स्ट आता है, दे आर फोर मैरिड कपल, इफ दे आर फोर मैरिड कपल, मैरिड कपल, अगर वो चार मैरिड कपल्स थे एंड दे सिट कपल्स एंड दे सिट टुगेदर, कपल्स सिट टुगेदर, दे की जगह पे कपल वर्ड यूज करो, एंड कपल्स सिट टुगेदर, दे आर फोर मैरिड कपल्स एंड कपल्स सिट टुगेदर, अगर चार मैरिड कपल्स आए थे और उन कपल्स को साथ में बैठना था, अब उन कपल्स को अगर साथ में बैठना है तो कैसे बैठ सकते हैं सोचो, तो उन कपल्स को साथ में बैठने के लिए मतलब बॉय गर्ल की कॉम्बिनेशन होगी, तो चार पैकेट हो गए ऐसे, ऐसे समझ लो कपल्स के मैंने चार पैकेट बना दिए, ठीक है, B1 G1 B2 G2 B3 G3 एंड B4 G4। अब इनको अरेंज करना था तो अपन ने चारों पैकेट को अरेंज कर दिया, फोर फेटोल थे, हर पैकेट को खोला, दो बॉयज गर्ल निकले, उनको अरेंज करने के टू फेटोल तरीके, ऐसे चारों पेयर से निकलेगा तो टू फेटोल की पावर फोर, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी हैव टू वर्कआउट दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बॉयज गर्ल्स प्रॉब्लम वाले कंसेप्ट पे, ध्यान रखना काम के हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्टेशन प्रॉब्लम के नाम से, फेमस क्वेश्चन है स्टेशन प्रॉब्लम, नेम प्रॉब्लम में इसको कंसीडर भी करते हैं स्टेशन प्रॉब्लम। अभी स्टेशन प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं, स्टेशन प्रॉब्लम आपसे ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है वो समझ लेना, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ये तो हेडिंग थी बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है A train having 12 stations in a route, 12 stations in a route. During journey, it has stopped. Stopped at four stations. Find number of ways it can be stopped if no two stopping stations are consecutive, if no two stations are consecutive. No two stopping stations are consecutive. Try to understand the language from where you can consider. This question is based on station problem. The only line that is the last one. No two stopping stations are consecutive. दो stopping stations consecutive नहीं होना चाहिए ऐसा इसने बोला। If no two stopping stations are consecutive, कोई भी दो stopping stations consecutive नहीं होने चाहिए ऐसा इसने बोला है, ठीक है। क्या तरीका होता है वो समझ लेना कि अपने को एक ट्रेन चल रही है लेट अस अज्यूम दिल्ली टू बॉम्बे, ड्यूरिंग द जर्नी उसने 12 स्टेशन बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी वो 12 स्टेशन कंसीडर करी टोटल, और इट कैन टू बी स्टॉप्ड इन 4 इंटरमीडिएट स्टेशन ड्यूरिंग द जर्नी, चार स्टेशन पे उसको रुकना था, लेकिन इसे कंडीशन दे रहा है कि नो टू स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्सिक्यूटिव, दो कोई भी स्टॉपिंग स्टेशन लगातार नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे राजधानी वाजधानी होती है इस टाइप के ट्रेन के बारे में वो बात कर रहा था। तो कॉमन सी बात थी कि हो सकता है कि मैं एक केस लूँ कि यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए, यहाँ रुक जाए और यहाँ रुक जाए, तो जो कहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है ये वो समझिए, अपन ने क्या कि 8 स्टेशन दिए जहाँ पर ट्रेन नहीं रुकेगी, S2, S4, S5, S7, S8, S10, S11 एंड S12, इन 8 स्टेशन को बनाने के अपने पास तरीके कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल। अरे बिल्कुल नहीं होंगे, 52 स्टेशन हैं, 8 फैक्टोरियल का यहाँ पे मतलब होता है कि पहला स्टेशन दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा, दूसरा पहले से रिप्लेस हो जाएगा, अरे वो तो फिक्स ही रहेंगे।
तो आठ स्टेशन को बनाने का एक ही तरीका, उनके बीच में आएंगे नौ गैप, 9C4, उन नौ गैप में से चार गैप सेलेक्ट कर लो और उन चार गैप पे वो चार स्टॉपिंग स्टेशन बना दो, एक ही तरीका, करेक्ट है? मतलब अब मैं इसकी फोटो दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ स्टेशन मैंने ये बनाए, करेक्ट है? इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ गैप्स हैं, उनमें से चार गैप मैंने ये सेलेक्ट किए, पहला, तीसरा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये चार टिक वाले मैंने स्टेशन को कंसीडर कर दिया, इनको स्टॉपिंग बना दिया, एस और एस अब सबके नामकरण कर दो, तो ये पहला स्टेशन हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, नौवां हो गया, दसवां हो गया, ग्यारहवां और ये बारहवां। देखो जो चार स्टेशन आपको चाहिए थे वही चार आए हैं स्टॉपिंग, S1 आया है, S3 आया है, S6 आया है और S9 आया है। तो दिस इज द वन ऑफ द वे, दिस इज द वे इन विच यू कैन वर्कआउट। तो ये हमारा होता है जनरलाइज जब हम इसको करते हैं, तो वही आगे स्टेशन प्रॉब्लम जिसके अपन ने अभी बात करी थी कि टोटल 12 स्टेशन थे, चार बनाने थे, गैप मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, C4 12-4+1C4 12 स्टेशन थे, उसमें से नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो, नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा है वो, जब अपने पीछे है अच्छा, अपन ने पिछले एक पॉइंट में गड़बड़ी कर दी थी, ध्यान रखना वो सर्कुलर परमुटेशन का क्वेश्चन नहीं था, वो सर्किल वाला पार्ट जो अपन ने लिखा था वो गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक है? वो जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूला थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, जो नोट अभी लिखाया था इससे पहले उसका सेकंड पॉइंट कि ये वही था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ये जो नोट का सेकंड पॉइंट है उसको चेंज कर लेना, ठीक है? नोट का सेकंड पॉइंट मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बोल गया, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर थिंग्स आउट ऑफ एन इफ नो टू आर कॉन्जिक्यूटिव, उसमें आर कॉन्जिक्यूटिव की बात करने के बाद अपन ने सर्किल वाला पॉइंट लिखा था वो गड़बड़, तो उसको काट देना, ये यूज करना, एंड दैट शुड बी इक्वल टू N-R+1CR, ठीक है? होती ही गड़बड़ी हो जाती है, नॉट ए बिग डील, ठीक है? थोड़ा सा चेंज कर लेना, आगे बढ़ते नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपको कराए जाए, तो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स आप कवर कर लोगे उतना आपको फायदा होगा। एक बोर्ड प्रॉब्लम करके कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में उसको समझा दूंगा, आप तो हेडिंग डाल देना खाली, क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ समझ लेना। बोर्ड प्रॉब्लम क्या होता है इसमें बेटा, इस टाइप से एक बोर्ड होती है, ठीक है? इसको बोर्ड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, कंपनी प्रॉब्लम भी बोलते हैं, स्कूल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें 11 लोग को चढ़ना है, एक बंदा स्टीयरिंग पे चढ़ेगा, चार लोग यहाँ चप्पू चलाएंगे, चार लोग यहाँ चप्पू चलाएंगे, ठीक है? तो चप्पू चलाने वाले टोटल 8 लोग हैं, मान लें लेफ्ट साइड था या राइट साइड था, तो 11 लोग आए हैं और 11 लोगों को इसमें जाना है, जिसमें 3 लोग तो स्टीयरिंग चला सकते हैं, 3 लोग स्टीयरिंग चला सकते हैं, ठीक है? 2 लोग सिर्फ लेफ्ट का चप्पू चलाएंगे, LC का मतलब लेफ्ट का चप्पू, ठीक है? इस साइड का चप्पू चलाएंगे और बाकी 6 लोग कहीं पे भी चप्पू चला लेंगे, एनीवेयर चप्पू चलाएंगे, एनीवेयर चप्पू। और हमको इन 11 लोगों में से अरेंज करना है कुछ लोग, कितने लोगों को, 9 लोगों को इस बोर्ड पे। ये है क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 11 लोग हमारे पास हैं टोटल क्रू में, एक क्रू है, एक टीम है, उसके अंदर 11 लोग हैं, जिसमें 3 लोग स्टीयरिंग चलाते हैं, 2 लोग चप्पू चलाते हैं, लेफ्ट साइड का स्पेसिफाइड है, ठीक है? और बाकी 6 लोग चप्पू चलाते हैं कहीं का भी, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसी क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हैं जॉब से, कंपनी से, कि मान लो एक मैनेजरियल पोस्ट, एक MD की पोस्ट है किसी कंपनी में और 4 वैकेंसीज दिल्ली में थी, 4 वैकेंसीज बॉम्बे में थी, 2 लोग स्पेसिफिकली दिल्ली में रहते थे, तो उनकी इंसिस्ट करते थे कि दिल्ली में जॉब मिले, बाकी 6 लोग जो आए थे कंपनी में इंटरव्यू देने उनको कहीं पे भी जॉब दे दो,
मैनेजरियल पोस्ट की और तीन लोगों ने एमडी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो इसको कैसे अरेंज किया था ये उसको समझते हैं। तो अपन इन तीन में से पहले किसी एक को भेजेंगे यहाँ पे, तो 3C1 से किसी एक को उठाया और स्टीयरिंग भी बैठा दिए। अब बचेंगे दो लोग जो लेफ्ट साइड का चप्पू चलाएंगे। तो पहले हमने प्रेफरेंस इन दोनों को दी क्योंकि ये दोनों इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें लेफ्ट साइड का ही चप्पू चलाना है। तो अगर इनको लेफ्ट साइड का ही चप्पू चलाना था, इन्होंने इंसिस्ट कर रखा था, तो अपन ने लेफ्ट साइड के जो चार चप्पू थे उनमें से दो चप्पू उठाए और उन दो चप्पू पे इन दोनों को भेज दिया 2 फैक्टोरियल से। अब मेरे पास दो चप्पू भर चुके हैं और मेरे पास स्टीयरिंग भर चुका है। अब मेरे पास जो टोटल खाली जगह बची है वो बची है 4, 2 और 6। 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, दैट इज 6। अब इन 6 चीज़ों को हमें अरेंज करना है, तो इन 6 चीज़ों को हम लोग अरेंज करेंगे। 6 लोग खड़े हैं, उनको कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इनटू 6 फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल वे इन विच वी आर वर्किंग विद दिस चप्पू इन दिस बोर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से करते हैं। तो इस तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को कवर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। चलिए तो बात करते हैं ग्रुपिंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट वी स्टार्ट द आर्टिकल, दैट इज ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में बेसिकली क्या होता है, अपने पास अगर टू मतलब m प्लस एन ऑब्जेक्ट है, पहला केस अगर अपने पास m प्लस एन ऑब्जेक्ट है उसके दो ग्रुप बनाने m और n के, तो ग्रुपिंग को हम लोग करने का तरीका समझिएगा कि m प्लस एन में से m को उठाओ, रिमेनिंग में से n को उठाओ। तो उसको हम लोग बोलते हैं m प्लस एन सी एम इंटू एन सी एन। करेक्ट है, फॉर्मूले में अगर आओगे तो आपके पास फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके बनता है m प्लस एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, ये ग्रुपिंग होती है। इसलिए हम लोग इसको ऐसे ब्रैकेट्स में लगाएंगे जिससे हमें ध्यान रहेगा ग्रुपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में क्या अंतर होता है। इस तरीके से इसका दूसरा केस आता है, वो दूसरा केस आता है कि अपने पास 2m ऑब्जेक्ट्स है, हमें दो ग्रुप बनाने हैं, एक m का और एक m का। तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ग्रुपिंग करने के, तो फॉर्मूला तो वहीं से बन के आता है कि 2mcm into mcn, लेकिन इसमें रिपीटेशन होता है इसलिए बाई 2 कर देते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि 2m का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल into m फैक्टोरियल। तो जितनी पावर चढ़ेगी, अगर आपने ग्रुपिंग स्टार्ट करी हो, कितने भी फैक्टोरियल की पावर चढ़ेगी तो उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे थे कि लेट अस अज्यूम मेरे पास टोटल 18 चीज़ें थी जिसमें 2, 2, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 12 और 6 18, या इसको भी 3 ले लो, 3 और 3। ठीक है, इतने में मेरे पास 18 चीज़ें हैं, मुझे 4, 2, 4, 3, 7 पैकेट्स बनाने। इसमें कुछ पैकेट्स में 2-2 चीज़ें होनी चाहिए, कुछ पैकेट्स में 3-3 होनी चाहिए, 4 पैकेट्स में 3-3 होनी चाहिए, 3 पैकेट में 2-2 होनी चाहिए। तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे अगर कोई हमसे पूछता है ग्रुपिंग करने के, तो आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल के 3 इक्वल अमाउंट बने, 2 फैक्टोरियल की पावर होल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल के 4 पेयर बने, तो 3 फैक्टोरियल की पावर होल 4। ठीक है, जितनी पावर चढ़ी उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन होगा इसके अंदर, 4 पावर चढ़ी तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। उम्मीद करूंगा बेसिक सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए। इसमें डिवीजन नहीं होता क्योंकि इक्वल अमाउंट में अगर चीज़ें नहीं आ रही हैं तो हम डिवीजन नहीं करते हैं, और अगर इक्वल अमाउंट में चीज़ें आती हैं तो हम डिवाइड करते हैं। 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक लॉजिक क्या होता है वो आपको मैं रटा रहा हूँ। बेसिकली आप ये समझ जाए कि सर ने बोला रटो तो रटो, फिलहाल रटो, क्योंकि अपने पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको बहुत डीप में जा करके उससे एक्सप्लेन करें कि आया कहाँ से। हम लोग फुल कोर्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको याद कैसे रखना है कि जो फैक्टोरियल टोटल चीज़ें अपॉन जितने पेयर्स बने उनके फैक्टोरियल्स, जो पावर चढ़ेगी उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। इक्वल अमाउंट की जितनी पावर चढ़ेगी उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लीजिए अपने पास 8 किताबें हैं, 8 बुक्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट, 8 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, 1 बुक डिस्ट्रीब्यूट राम श्याम घनश्याम को, सो दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 बुक। Each child get at least one book. हर बच्चे को एक किताब ज़रूर मिले, इसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे हमें इस बारे में बात करनी है। तो क्या करा जाता है वो देखिए, अपने पास 3 बच्चे थे, प्रैक्टिकलिटी करके दिखाता हूँ। राम श्याम और घनश्याम, इनको रूम के बाहर खड़ा कर दी, दीवार लगा दी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितनी किताबें थी, 8 किताबें थी, मेरे को 3 पैकेट बनाने थे और इन 3 पैकेट को इन 3 बच्चों को देना था विद द कंडीशन क्या, एटलीस्ट 1 बुक।
हर बच्चे के पास एक किताब जरूर आनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, हर पैकेट में एक ही किताब डाल दी। तो बेसिकली अपन ने 3 पैकेट बनाए, हर पैकेट में एक ही किताब डाल दी। अब मेरे पास जो किताबें बची वो बची 5। अब इन 5 किताबों को देने का, 5 किताबें बचेंगी ना, 6 किताबें थी, सॉरी 8 नहीं थी, 6 थी, वरना केसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, 6 बुक्स थी, ठीक है। तो 6 किताबें थी मेरे पास, हर किताब को, हर पैकेट में एक ही किताब डाल दी। अभी भी मेरे पास कितनी किताबें बची होंगी, अभी भी मेरे पास 3 किताबें बची होंगी। उन 3 किताबों को देने की मेरी चॉइस है कि पहली चॉइस थी कि मैंने 3 ही किताब किसी एक पैकेट में डाल दी हो, कौन बार बार पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर 2 एक में डाली, 1 एक में डाली, या फिर हर पैकेट में मैंने 1 ही किताब और डाल दी। इसके अलावा तो ये जो तरीका होता है ना, ये फ्रेम करना, केसेस फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं केस फॉर्मेशन। कितने केस बन सकते हैं हमें इस बारे में बात करनी है, कितने केस बन सकते हैं हमें इस बारे में बात करनी है, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कि कितने केस पॉसिबल हैं इस चीज़ को करने में। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो अपने पास एक केस ये था कि 4 1 1 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 2 1 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या 2 2 2 की कॉम्बिनेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो सबसे पहले हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे, फिर हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पहले वाली की ग्रुपिंग आएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। दूसरा केस, ठीक, हर बार 3 पैकेट बनना है, ध्यान रखना। दूसरा केस, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, करेक्ट है। प्लस तीसरा केस, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 1/3 फैक्टोरियल। अब क्योंकि अपने पास 3 पैकेट्स आ चुके हैं, उन 3 पैकेट को 3 बच्चों को देना है, 6 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट, ये वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट। अगर खाली पैकेटिंग करनी होती तो हम यही रुक जाते, लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। तो जो 3 पैकेट यहाँ बने उनको 3 बच्चों को देने का तरीका, 3 फैक्टोरियल सेम ओवर हियर, 3 फैक्टोरियल सेम ओवर हियर, 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, करेक्ट है। सो दैट ईच चाइल्ड रिसीव एटलीस्ट 1 बुक, हर बच्चे को कम से कम 1 किताब मिले, ये जरूरी हो गया इसके अंदर। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। ग्रुपिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑन टू फंक्शंस वाले भी क्वेश्चन ग्रुपिंग में होता है, फंक्शन के टाइम पे पढ़ा होगा, उसको भी ले लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट है, फ्रॉम ए टू बी, वेयर जो ए के अंदर था वो था 1 2 3 4, और जो बी सेट है वो है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या फंडा होता है, इसको ऐसे समझते हैं अपन, मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया, इससे मुझे आइडिया नहीं कि कितने केसेस बनेंगे, चलिए देख लेते हैं, ज़्यादा बनना होगा तो फिर स्किप मारना पड़ेगा अपने को। मैंने रैंडम क्वेश्चन फ्रेम किया ए टू बी, यहाँ पे 1 2 3 4 बैठा हुआ है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 बैठा हुआ है। तो ये होती है बुक्स, 2 केस ले लो, 1 2 ले लो खाली, ज़्यादा केस नहीं बना लो, मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ आपको। तो ये बुक्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं, इस तरीके से इसको समझाता, हर बुक बटनी चाहिए तो फंक्शन बनेगा, और हर स्टूडेंट को बुक मिलनी चाहिए तो ऑन टू फंक्शन बनेगा, ठीक है। हर बुक बटनी चाहिए तो फंक्शन बनेगा, और हर स्टूडेंट को बुक मिलनी चाहिए तो ऑन टू फंक्शन बनेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हर बुक बटेगी, 3 4 किताबें 2 बच्चों को देनी है, तो 4 किताबों के 2 पैकेट बनाने थे, तो 1 और 3 का पैकेट बन सकता था, या फिर 2 और 2 का पैकेट बन सकता था। तो इस पैकेटिंग करने के तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, या फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अभी जो 2 पैकेट बने, ये 2 पैकेट इन दोनों बच्चों को देने के तरीके कितने होंगे, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके के ग्रुपिंग के क्वेश्चन आते हैं, कंफर्टेबली आते हैं, ध्यान रखना है आपको किस तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, ठीक है। कार्ड प्रॉब्लम के बारे में सबको पता होंगे, उसी पे एक क्वेश्चन सिंपल सा, आइए वो देख लेते हैं किस तरीके से उसमें हम ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं, या आप बोले तो किस तरीके से पैकेटिंग हो रही है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज
इक्वल अमाउंट ऑफ कार्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among four players out of 52 cards so that each player get king, queen, jack and ace of same suit. बहुत सिंपल सा फंडा है, बट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पता होना चाहिए सबको. सूट क्या होता है, जो कंपनी मतलब जो कार्ड्स की वो होती है, क्या बोलते हैं, फैमिली जिसको बोलते हैं हम लोग यूजली, उसको सूट्स भी बोलते हैं. जैसे डायमंड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब हो गया एंड स्पेड हो गया. ठीक है, उसने क्या कहा, उसने बोला 52 पत्ते अपने को हर चार प्लेयर्स को देना, यानी हर प्लेयर के पास 13-13 पत्ते होने चाहिए पहली सिचुएशन. ठीक, अब उसने बोला किंग, क्वीन, जैक और एज जिसके पास भी उसके पास सेम सूट का होना चाहिए. तो अपन ने क्या किया यहाँ पे ना, किंग, क्वीन, जैक के चार सूट बनाए. किसका, किंग, क्वीन, जैक और एज का एक मतलब पैकेट होना चाहिए. तो ये मान लो डायमंड का सूट था, ये मान लें हार्ड का सूट था, ये मान लें स्पेड का सूट था और ये मान लें क्लब का सूट था. तो चार सूट्स अपन ने बनाए हैं जिन सूट्स में हम किंग, क्वीन, जैक और एज डालेंगे. तो किंग, क्वीन, जैक और एज, एज, किंग, क्वीन, जैक, एज, किंग, क्वीन, जैक और एज, किंग, क्वीन, जैक. मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं 52 पत्ते आपको दे रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ उन 52 पत्तों में से आप मुझे डायमंड का एज निकाल के दो, तो आपको एक ही तरीका होगा, आप छाट के खोलोगे कार्ड, ऐसे आँख बंद करके नहीं निकालोगे. यू शुड हैव टू बी कलेक्ट द कार्ड आफ्टर ओपनिंग ऑल द कार्ड्स. तो इसको निकालने का एक ही तरीका है. ऐसे इसका भी एक मतलब इस पैकेट के बनने का एक ही तरीका है. सिमिलरली इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है, इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है, इस पैकेट के बनने का भी एक ही तरीका है. मतलब इन चारों पैकेट के बनाने के हमारे पास एक ही एक तरीके हैं. ठीक है, तो अपने पास टोटल पत्ते थे 52. 52 में से अपन ने चार चौक 16 पत्ते तो माइनस कर दिए, 36 पत्ते बचे. तो हर पैकेट में इन 36 में से अपन ने क्या किया, 9 के चार पैकेट बना दिए. तो 36 में से जब 9 के चार पैकेट बनाए, तो उन चार पैकेट को बनाने के तरीके ये हो गए. मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से यहाँ तक. ठीक है, अब अपन ने इन चार पैकेट्स को जो बनाया था इन चार पैकेट्स को बनाने का बेसिक तरीका एक ही था. अब इनको उठाया और इसमें डालते गए, तो इन चार पैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के फोर फैक्टोरियल वेज. किसी भी पैकेट में डायमंड का चला जाए, हार्ड का चला जाए, किंग का चला जाए, स्पेड का चला जाए, डायमंड का, हार्ड का, स्पेड का, क्लब का, किसी का भी कार्ड पैकेट इसके पैकेट के अंदर गिर जाए, तो इसके पास पत्ते कितने हो गए, 13. 9 पहले थे, 4 ये आ गए, यानी इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. और जो चार आए हैं वो किसी एक फैमिली के ही आए होंगे इन चारों में. तो इन चार पैकेट्स को डालना भी अपने आप में एक तरीका के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल. जब मैंने इन चार पैकेट्स को इन चार पैकेट में डाल दिया, तो इन चार पैकेट में डालने के बाद पूरी ग्रुपिंग हो गई, मतलब पूरी पैकेटिंग हो गई, जिसमें हर पैकेट के अंदर 13 पत्ते पड़े हुए थे, 9 कोई भी हो, 4 इन सब में से किसी एक के, करेक्ट है. अब इन चार पैकेट्स को, जो 13-13 पत्ते के चार पैकेट्स बने हैं, इन चार पैकेट्स को किसको देना है हमें, इन्होंने वेद इक्वल अमाउंट ऑफ कार्ड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ये वर्ड आया है डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये वर्ड नहीं आता तो हमारा आंसर यही हो जाता, लेकिन उसने बोला डिस्ट्रीब्यूट करो. डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटो. अब अगर हमें बांटना है तो बांटने के तरीके वापस से कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल. क्यों, क्योंकि चार पैकेट को चार बच्चों को बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल. इसको सिंप्लीफाई कर देना, व्हाटएवर द गेट दैट इज योर आंसर. तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल लेते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल अपना है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट अ टाइम एंड टेकन ऑल एट ए टाइम. तो दो केसेस होते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑल एट ए टाइम का एक एग्जांपल देखेंगे, फिर सम एट ए टाइम का एक एग्जांपल देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट. परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, बड़ा
आर्टिकल है तो इसकी एक्सपेक्टेशन मुझे थोड़ी सी कम है कि इस आर्टिकल पे बहुत हैवी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी तो पहला केस अपन ले रहे टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। इस पे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं ये वो समझते हैं। पहले तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, टेकन ऑल एट ए टाइम मतलब सारे लेटर्स को उठाए गए जितने भी आपको दिए गए उसमें रिपीटेशन अलाउ होता है, ठीक है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन है कंसीडर कंसीडर वर्ड ये मतलब बड़ा वर्ड हो जाएगा, छोटा वर्ड ले लेते हैं, कंसीडर द वर्ड हॉरर, कंसीडर द वर्ड हॉरर, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल द लेटर्स, फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of all the letters if first part no restriction कोई restriction नहीं थी, ठीक है। तो अगर कोई restriction नहीं और हमें इनको arrange करना है, consider arrangement की बात कर रहा है, तो अपने पास एक दो तीन चार पाँच छ, तो एक दो तीन चार पाँच छ चेयर है जिसमें तीन अलाइक लेटर्स हैं, ठीक है। परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट और ग्रुपिंग में अंतर, ग्रुपिंग में चीजें डिवाइड करनी पड़ती हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट में चीजें हमें डिवाइड मतलब अलग अलग दिखती हैं। तो यहाँ पे हॉरर दिख रहा है जिसमें एक एच है, दो ओ आर, तीन आर है, तो अगर मैं इसकी कंसिडरेशन करूँ तो एक एच है अपने पास, ठीक है, तो अपने पास एच कितने हैं, एक है, ओ कितने हैं, दो है, और आर कितने हैं, तीन है, ठीक है। तो अपने को ये टोटल छः लेटर्स इनको छः चेहरे बैठाना था, उसका तरीका आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है। फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करनी है, फॉर्मूला डेरिवेशन मैं इसी के एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, ध्यान रखना। तो टोटल मान लो अगर ये सब डिफरेंट होते हैं, सब डिफरेंट होते तो टोटल तरीके कितने होते हैं, 6 फैक्टोरियल, इसमें जितने अलाइक उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं, कितने अलाइक हैं, दो अलाइक हैं तो 2 फैक्टोरियल, दो अलाइक हैं तो 3, तीन अलाइक हैं तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट, ठीक है। अब मान लो अगर कोई बोले कि सर इसको आपने कैसे लिख दिया, कहाँ से लिख दिया, केसेस तो बहुत सारे बनेंगे, तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, वो होता है कि अपने पास m प्लस एन प्लस पी ऑब्जेक्ट थे जिसमें m फर्स्ट काइंड का था, n सेकेंड काइंड का था और p थर्ड काइंड का था, तो इसके टोटल वेज आ जाएंगे, तो टोटल अरेंजमेंट या टोटल वेज बोलो कुछ भी बोल दो इनको, that will be come out to be total number of things m plus n plus p का factorial divided by जितनी एक जैसी है m factorial, जितनी एक जैसी n factorial, जितनी एक जैसी p factorial। अब अगर कोई मुझसे expect करेगा सर इस formula का derivation दो, फलाना दो, धमाका दो, तो ये वही चीज़ है कि m plus n plus p cm into remaining का cn into remaining का cp, तो simplify करोगे तो वो data आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज में ध्यान रखना, ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड, वही फंडा हो गया, एच ओ और आर, ठीक है। इनको अरेंज करना कैसे, तो टोटल तरीके अपॉन एच का लिखना चाहो तो वन फैक्टोरियल लिख दो, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, जितनी अलाइक चीजें आती हैं, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट लेना, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, जैसे अपन पीछे क्वेश्चन किए थे ना वैसे ही, तो मान लो वोवल्स को शॉर्ट, वोवल्स आर टुगेदर। अब वोवल्स अगर टुगेदर है, जितने भी वोवल्स है वो सब एक साथ हैं, अगर सारे वोवल्स एक साथ हैं तो क्या तरीका होगा, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो वोवल्स आर टुगेदर की अगर अपने को बात करनी है तो हमने क्या किया, वही क्या करूंगा, पैकेटिंग मेथड, कौन सा मेथड, पैकेटिंग मेथड, कि एक पैकेट में डाल दिया, तो अपने पास आ गया H, ठीक है, दो O और तीन R, ठीक है, तो इसको पैकेट में डाल दिया, टोटल चीजें कितनी हो गई, एक दो तीन चार पाँच, इन पाँच को अगर मुझे अरेंज करना होता तरीका होता फाइव फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई तीन एक जैसी तो थ्री फैक्टोरियल, गुड आउट, करेक्ट है। इनको साथ में रहना है तो अब इन दोनों पैकेट को खोलोगे तो इनको अरेंज करने का तरीका एक, क्योंकि दोनों अलाइक लेटर्स हैं, दो अलाइक ओ को अरेंज करने का तरीका कितना होगा, वही एक, यानी कि टोटल तरीके कितने आ जाएंगे, वोवल्स आर टुगेदर तो फाइव फैक्टर अपॉन थ्री फैक्टर टू वन। तीसरा केस मान लो इसमें आ जाए कि वोवल्स आर सेपरेटेड, सेपरेटेड जो उन्होंने उसमें किया था वही फंडा। अब अगर वोवल्स सेपरेट हो रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर वोवल्स सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट मतलब गैप में बैठ रहे हैं,
अब अगर ये गैप में बैठ रहे हैं तो हम गैप में बाकी सबको अरेंज कर दो, एच आर आर और आर, ठीक है, इनके बीच में गैप आएंगे। तो पहले हम एच आर आर को अरेंज कर देते हैं। तो एच आर आर को अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल और 3 एक जैसे होंगे तो 3 फैक्टोरियल। इनके बीच में गैप कितना है? 5। मुझे कितने ओ बैठा लें? 2। 5C2 से क्या किया? 2 गैप सेलेक्ट किए, उन 2 सेलेक्टेड गैप पे 2 को बैठाने का तरीका 1। अल्टीमेटली आंसर 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल × 5C2 × 1। क्लियर है? इस तरीके से मान लो अगर पूछे वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल, वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल, इसी के अंदर का केस चल रहा है। नेक्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल, कोई वर्ड आपने उठाया है और वो वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल, फोर्थ केस है वर्ड स्टार्टिंग विद वोवल, स्टार्टिंग विद अ वोवल। तो अपने पास था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन है, पहली चेयर पे वोवल आना चाहिए। कितने वॉवल्स हैं? 2। अरे बावन दोनों अलाइक हैं तो एक ही तरीका होगा, कोई भी ओ बैठ जाए। अब जब मान लो ओ बैठ गया एक, तो मेरे पास बचे 3R, 1O और 1H, उनको इन 5 चेयर पे अरेंज करो, तो × 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसा मैं मान लो कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से वोवल्स को अरेंज किया जा रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स परमुटेशन ऑफ ए लाइक ऑब्जेक्ट के लॉजिक में। अब जैसे इसी में रैंकिंग प्रॉब्लम आती है, एक आर्टिकल है रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है, रैंकिंग प्रॉब्लम मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है रैंकिंग प्रॉब्लम, ठीक है, सुना होगा देखा होगा, मैं क्वेश्चन को डिटेक कर रहा हूँ, लिख भी दूंगा, आईटी का क्वेश्चन सीधे उठाऊंगा कि जैसे अगर मान लीजिए हम अल्फाबेटिकली डिक्शनरी के ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करते हैं किसी एक वर्ड को, तो उस वर्ड की प्लेसिंग कहाँ पे आएगी, लेटर्स को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली तो उस वर्ड की प्लेसिंग कहाँ आएगी वो बताना रैंकिंग का क्वेश्चन कहलाता है। जैसे एक आईटी का क्वेश्चन उठा रहा हूँ सीधे, क्या कह रहा भाई वो, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचिन, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचिन, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोचिन आर अरेंज अल्फाबेटिकली फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड कोचिन, करेक्ट है, तो इस वर्ड की रैंकिंग क्या आएगी वो बताना है। इफ लेटर्स आर अरेंज्ड, इफ लेटर्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, इफ लेटर्स आर अरेंज अल्फाबेटिकली फाइंड रैंक ऑफ वर्ड, फाइंड रैंक ऑफ वर्ड, शॉर्ट में लिखा, बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा। अगर कोचिन वर्ड के लेटर्स को हम अरेंज कर रहे हैं अल्फाबेटिकली तो ये वर्ड इसकी रैंक क्या आएगी कोचिन की, ये हमें बताना है। तो कैसे करा जाता है ये वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, तो ए डबल सी एच आई एन ओ इज द अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ दीज ऑल लेटर्स विच इज प्रेजेंट, विच आर प्रेजेंट इन द वर्ड कोचिन, ठीक है। तो जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं, जैसे कभी आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो सबसे पहले हम ए से बनने वाले सारे वर्ड्स को कंसीडर करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इन 6 चेयर पर बैठने के लिए 2 अलाइक हैं सी फैक्टोरियल, बाकी सब डिफरेंट, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए, द वर्ड्स स्टार्टिंग विद द लेटर ए इज ऑल अबव द वर्ड कोचिन, करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा सी, तो हमने सी को बैठाया, अब सी के बाद अल्फाबेटिकली ए बैठता है, ठीक है, सी के बाद अल्फाबेटिकली ए बैठेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल से बाकी लेटर अरेंज होंगे क्योंकि कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें चाहिए कोचिन, तो सी के साथ हमें ओ चाहिए, तो सी के बाद ए, सी के बाद सी, सी से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल, फिर सी के बाद आएगा एच, एच से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल, फिर सी के बाद आएगा आई, सी के बाद आई से बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट ऑल्सो 5 फैक्टोरियल, फिर सी के बाद आएगा एन, और सी के साथ एन के बनने वाले जितने वर्ड्स होंगे दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं बहुत अच्छे से मान रहा हूँ, ठीक है, कि पहले सी ए से बनने वाले वर्ड सारे ऊपर बैठेंगे सी ओ से, हमें अगला वर्ड ओ चाहिए, ओ, तो हमें यहाँ पे ओ को पहुँचाना है, तो ओ से पहले जितने भी लेटर्स होंगे सब ऊपर बैठ जाएंगे। फिर आता सी ओ, भाई सी ओ आ गया तो एक सी मिल चुका था, एक ओ मिल चुका, अब आएगा अल्फाबेटिकली ए, क्या हमें ए भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो हमें ए भी चाहिए तो ए भी कट गया। फिर आएगा अल्फाबेटिकली सी, तो मुझे सी चाहिए, सी मिलेगा, फिर आएगा अल्फाबेटिकली एच, फिर आएगा आई, फिर आएगा एन, यानी अल्टीमेटली एक ही तरीका होगा, इन सबको जोड़ देना, यू विल गेट योर वर्ड एंड द रैंकिंग शुड बी कम आउट टू बी 961।
कैलकुलेट कर लेना आंसर 961 आएगा। इस वर्ड की रैंकिंग क्या होगी, तो इस वर्ड की रैंकिंग होगी 961। कितनी रैंकिंग होगी? 961। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोचिन वर्ड की अगर परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम की बात करते हैं, परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी में एक वर्ड होता है जो वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग होता है। तो आइए वेन डायग्राम को भी थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हुए क्वेश्चन को देखते हैं, वेन डायग्राम से कैसे प्रोसीड करना चाहिए। बहुत अच्छा मेथड होता है, बहुत ही यूजफुल मेथड होता है, पता होना चाहिए। तो वेन डायग्राम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। वेन डायग्राम कंसेप्ट पीएनसी और एज वेल एज प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम कंसेप्ट पीएनसी एज वेल एज प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक चीज को बोलते हैं इंटरसेक्शन, एक चीज को बोलते हैं यूनियन, उम्मीद करूंगा पता होगा ये क्या लाता है इंटरसेक्शन। अगर ये ए था ये बी था तो इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे अगर अपने पास दो वर्ड्स होते हैं, दो पोजिशन होती हैं और सब कंसिडर करे जाते हैं इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एक के बाहर वाले को बोलते हैं ए नॉट, ए के पोर्शन में बी ना हो उसको बोलते हैं ए नॉट बी, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एन ऑफ ए यूनियन बी, इस तरीके से अगर मेरे पास ये ए दिया गया है तो ये जो बाहर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं ए नॉट, ये सैम्पल स्पेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एन ऑफ एस, इसको बोलते हैं एन ऑफ ए नॉट, ए नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से इसमें अगर वेन डायग्राम में थोड़ी सी और बात कर लूँ मैं आपको वेन डायग्राम की सारी चीज़ें इससे बता रहा हूँ कि ये सब प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज़ होता है आपके, कि ये ए आ गया ये बी आ गया तो उसको बोलते हैं एन ऑफ ए माइनस बी या ए नॉट बी, या फिर बोलते हैं एन ऑफ ए नॉट बी, नॉट बी मतलब ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो। ठीक है, तो ये दो के लिए हो गया, बट हमारे जो सिलेबस में क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं वो तीन के पूछे जाते हैं, दो के भी आते हैं प्रोबेबिलिटी में आते हैं। पीएनसी में दो के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट मिलेंगे आपको, पीएनसी में आपको मैक्सिमम जब भी मिलेगा तीन के ही मिलते हैं। एन ऑफ यूनियन बी का फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो इसको लिखते हैं हम लोग एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद करूंगा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सबने क्लास टेंथ से लेवल से पढ़ना शुरू किया होगा वेन डायग्राम, तो ये फॉर्मूला बताया गया होगा। इसी के बिहाफ पे अपने पास अगर तीन एलिमेंट होते हैं बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे ए बी सी, ए बी और सी। ठीक, ये ए है ये बी है और ये सी है, तो जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है उम्मीद करूंगा याद होगा, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, याद तो रखना ही है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये कंप्लीट फॉर्मूला डेरिवेशन होता है इस कंसेप्ट का। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करस्पॉन्डिंगली एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के रिगार्डिंग जो फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, इससे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसी परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम के अंदर आता है, कंसीडर होनोलुलु, होनोलुलु। ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड of given word if no two alike letters are together, if no two alike letters are together। भाई क्वेश्चन कह रहा है दो एक जैसे लोग साथ में नहीं होने चाहिए, तो होनोलुलु को अगर हम अरेंज करें तो ऐसे कितने वर्ड बन सकते हैं टेकन using all the letters, देखो all the letters है तो permutation of alike objects, alike क्यों बोला है, ये दो O दिख रहे हैं, दो L दिख रहे हैं, ठीक है, और दो U दिख रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा किस तरीके से alike objects का वो use करवा रहा है। तो कैसे करा जाता है Venn diagram की हेल्प से, आइए उसको समझते हैं। ठीक है,
तो अपने पास टोटल 8 लोग थे, ये एक पार्क था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्क, ये एक पार्क था जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसमें ए पोर्शन वो था जहाँ दोनों यू हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, ठीक है, एक बी पोर्शन था जहाँ पे एल हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे, और एक सी पोर्शन था जिसमें ओ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे थे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक पार्क था जिसके अंदर पूरे 8 लोग घूम रहे थे, एक पार्क था जिसके अंदर पूरे 8 लोग घूम रहे थे। उन 8 लोगों में पार्क का ये वो हिस्सा था जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे दोनों यू हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, बी पार्क का वो हिस्सा जहाँ पे दोनों एल हाथ में हाथ घूम के डाल के घूम रहे हैं, और सी पार्क का वो हिस्सा था जहाँ पे ओ दोनों ओ हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अब बात होती है कि हमको वो चाहिए लोग जो कोई भी हाथ में हाथ डाल के ना घूमे, नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर, यानी हमारा जो आंसर है वो आंसर है पार्क का ये वाला हिस्सा, पार्क का ये वो हिस्सा है जहां पे कोई भी हाथ में हाथ डाल के नहीं घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, कैसे मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो यानी बेसिकली हमारा जो आंसर है, अगर मैं से पूछे सर आंसर बता दो, तो मैं तो आंसर तो खट्टा से ये होता है एडवांटेज ऑफ द वेन डायग्राम, कि हम वेन डायग्राम से आंसर तो सेकंड्स में बता सकते हैं। कैसे, देखो पहले हमने क्या किया, टोटल पार्क माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो टोटल पार्क में से वो हिस्सा माइनस कर दो जहां पे ए बी सी में कोई भी मैच कर रहा हो, ठीक। तो एन ऑफ एस का मतलब हो गया टोटल लोगों को अरेंज करना, हो गया 8 फैक्टोरियल माइनस। अब इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा एन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला माइनस सिग्मा ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ऐसे मैं मान रहा हूँ, ठीक है। एन ऑफ ए मतलब ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का समेशन, तीन पेयर थे, और इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आइए सबसे पहले हम एन ऑफ ए की बात करते हैं। एन ऑफ ए का मतलब पार्क का वो हिस्सा जहाँ पे सिर्फ दोनों यू साथ में दिख रहा हूँ, तो जो टोटल लेटर्स में दोनों यू को टुगेदर कर दो, दोनों यू को टुगेदर कर दो, मतलब आपके पिक्चर आ गई एच ओ ओ एन एल यू यू और एल, ठीक है। अब मेरे पास टोटल वर्ड्स हो गए 1 2 3, मान लो आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो एन और ओ ऐसे लिख देना, तो उन्हें पता कि 1 2 3 4 5 6 7 सात चीज़ें हो गई, इन सात चीज़ों को अरेंज करना है, तो 7 फैक्टोरियल, इसमें 2 अलाइक है 2 अलाइक है, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। दोनों ओ वाला दोनों यू वाला बोरा खुलेगा एक ही तरीका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7 चीज़ें होंगी टोटल, करेक्ट है। इन 7 चीज़ों को अगर मुझे अरेंज करना होगा जिसमें, तो दोनों यू साथ में थे, दोनों यू को सिर्फ पैकेट में डाल दिया, बाकी सबको अरेंज कर दिया, 2 O थे अलाइक 2 फैक्टोरियल, 2 L थे अलाइक 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दोनों यू साथ में थे। अब जितने तरीके दोनों यू साथ में होने के होंगे, उतने तरीके दोनों एल के भी साथ में होने के होंगे, तो एन ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा और सेम एन ऑफ सी को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। एन ऑफ इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों ये वाला पोर्शन, करेक्ट है, एन ऑफ इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, दोनों यू साथ में हो दोनों एल साथ में हो, मतलब एच हो दोनों यू साथ में हो दोनों यू साथ में हो, ओ हो और दोनों एल साथ में है, और ओ और एन हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 चीज़ें हो गई, इनको अरेंज करने का तरीका होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सिर्फ दोनों ओवर लाइक है इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जितने तरीके एन ऑफ ए यूनियन बी के हैं, उतने तरीके एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के हैं, उतने तरीके एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी के होंगे, और उतने तरीके होंगे एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए के। तो जितने ए बी के थे उतने बी सी के होंगे, उतने सी ए के होंगे, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं बात करूंगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की अगर मैं बात करूंगा, तो बेसिकली वो बात कर रहा है कि दोनों ओ साथ में हो, दोनों एल साथ में हो, दोनों यू साथ में हो, और एच ओ और एन हो, तो 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, करेक्ट है। अब इस फॉर्मूले में आपके पास ये आ चुका है, आपके पास ये आ चुका है, और आपके पास इसकी वैल्यू भी आ गई, सबको उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर आंसर, जो भी आएगा कैलकुलेशन कर लेना, वो आपका आंसर होगा। तो मेरी बात समझ में आनी चाहिए, वेन डायग्राम का एप्लीकेशन किस तरीके से किया गया है, दिस इज अ वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आपको फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा तो आप इसको बहुत आसानी से समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, कि फर्स्ट लेक्चर में जो जो चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी है
उसके थ्रू आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। तो एक बार पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन पे फोकस करिएगा। मेरा सजेशन है कि आप जेई मेंस के प्रीवियस ईयर पे ही वर्कआउट करें इस समय, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, कल फिर मुलाकात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोज चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-212-1799। थैंक यू सो मच।